रिकॉर्ड तेजी के बाद अब फॉलो ऑन बाइंग कहां करनी है, कहां पर करनी है सेलिंग, क्या हो सकते हैं स्टॉक्स जो आज एक्शन में आएंगे, हमारा दमदार पैनल तैयार करते हैं उनका स्वागत, पिक ऑफ द डे। तैयार है हमारे साथ हमारे मेहमान सुमित जी तो बने ही हुए हैं सुबह से, सिटी साहब भी हैं आज हमारे साथ, कुणाल जी और साथ ही बंसल जी भी हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। बंसल जी रात को सेलिब्रेट कर रहे थे निफ्टी की मूव सर, और वहीं से आए हैं डायरेक्टली या क्या, क्या मतलब थोड़ा आपका आउटफिट समझाएं सर। सुप्रभात दीपांशु, सुप्रभात नया। देखिए वो हमारे कुणाल जी ने एक ट्रेंड शुरू करा था थर्सडे को शर्ट का, और तो अब क्या है कि दीपांशु एक तो वो थर्सडे का फीलिंग है, दूसरा एक बर्थडे वाली फीलिंग आ रही है जिस तरीके से यूएस मार्केट्स में रैली आई है, और तीसरा दीपांशु कोल्ड एंड कफ हो रखा है तो इससे वुलन शर्ट मुझे मिली नहीं, तो सेहत को मद्देनजर रखते हुए कुणाल जी के गुरुवार वाले फील को मद्देनजर रखते हुए और यूएस मार्केट ने जो बर्थडे वाला फील दिलाया तीनों को मद्देनजर रखते हुए मैं इस तरीके से आया हूँ दीपांशु। चलिए सर अब आपने सेहत की बात कर दी तो फिर उसके बाद तो आर्ग्यूमेंट ही खत्म हो जाता है हमारे पास, बट ब्राइट एंड शाइनी बंसल जी हैं हमारे साथ दिन की शुरुआत करने के लिए, बताएं सर पिक ऑफ द डे। देखिए दीपांशु पिक ऑफ द डे बताऊं उससे पहले मैं अभी कुशल को सुन रहा था जो बैंक ऑफ बड़ौदा में प्राइवेट इक्विटी वगैरह जो है टीपीजी एंड अदर्स 26% स्टेक के लिए इंटरेस्टेड है, और यहां पर अगर आप देखें तो बैंक ऑफ बड़ौदा के पास टोटल जो कस्टमर है दैट इज 1.57 मिलियन कार्ड होल्डर्स, और इसको प्राइवेट इक्विटी वैल्यूएशन दे रहा है 4000 करोड़ का। तो जो मेरा कल एक बोल्ड कॉल था आरबीएल बैंक पर, वहां पर अगर आप देखें तो 4.5 मिलियन कार्ड होल्डर्स हैं, तो ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो अप्रोक्सीमेटली डबल है, और आरबीएल बैंक 9,500 करोड़ की मार्केट कैप पे ट्रेड कर रहा है। तो एक अपडेट दे रहा हूं कि जल्दी यहां पर भी एक रीरेटिंग देखने को मिलेगी। और आज का जो मेरा पिक ऑफ द डे है दीपांशु वो है हैवल्स, जिसके अंदर कल के सत्र में एक टर्न अराउंड ब्रेकआउट देखने को मिला था, ऑन गोइंग जो लोअर टॉप लोअर बॉटम रिजीम थी उस पर एक ब्रेक लगी थी, एक पॉजिटिव क्रॉस ओवर देखने को मिला, तो हैवल्स भी खरीदारी की राय है। 1220 का स्टॉप लॉस है, 1300 का टारगेट है, हैवल्स है मेरा पिक ऑफ द डे। ओके तो हैवल्स पर पहली पिक ऑफ द डे बंसल जी की तरफ से आती हुई, 1300 का टारगेट, 1220 का स्टॉप लॉस लगाना ना भूले। चलिए बढ़ते हैं कुणाल जी की तरफ। सर मॉर्निंग, बताइए आपकी पिक ऑफ द डे कहां से आ रही है? गुड मॉर्निंग नेहा, गुड मॉर्निंग दीपांशु। देखिए सबसे पहले तो ये जो बंसल जी ने शर्ट पहनी है इसको बिल्कुल स्वास्थ्य से जोड़कर ना देखें, ये केवल युवा दिखने की इनकी एक काम कोशिश है जिसके चलते ये धारण करके आए, तो ये स्वास्थ्य तो केवल बहाना है। देखिए कुणाल जी बात करते करते बंसल जी ने खांसी करके भी कंफर्म करा कि नहीं नहीं मेरी तबीयत खराब है जिसकी वजह से मैं ये कर रहा हूँ। आई विश मेरे पास भी ऑप्शन होता जो बंसल जी की शर्ट है आज, शायद मैं भी ये पहनकर आ जाता, बट ब्राइट एंड शाइनी बंसल जी हैं। बताएं कुणाल जी आपकी पिक ऑफ द डे सर। देखिए खरीदारी की राय है और खरीदना है मैकडॉवल्स। मैकडॉवल्स पर मैंने और राकेश जी ने लगातार नीचे के लेवल से खरीदारी की राय दी है, स्टॉक में जबरदस्त तेजी देखने को मिली और कल आया है स्टॉक में बड़ा ब्रेकआउट, तो मैकडॉवल्स खरीद करके चले, ये 4 डिजिट्स में ट्रेड होने के लिए बिल्कुल तैयार है, मौजूदा स्तरों पर बाय करके चले। 920 रुपए का एक स्टॉप लॉस, अब संशोधित स्टॉप लॉस 920 पर रखें, पहला टारगेट होगा 955 रुपए का, 970 का दूसरा टारगेट, इवेंचुअली स्टॉक 1000 के ऊपर ट्रेड होना चाहिए। ओके तो 1000+ के टारगेट्स आते हुए देख सकते हैं, यूनाइटेड स्पिरिट्स बढ़िया मोमेंटम में काउंटर है भी। किरण जी भी है हमारे साथ, मॉर्निंग किरण जी बताएं सर पिक ऑफ द डे। वेरी गुड मॉर्निंग दीप, मॉर्निंग नेहा जी। मेरा बाय कॉल रहेगा जहां पे मल्टीपल कॉल्स कल के सत्र में देखने को मिले, वो रहा अल्ट्राटेक सीमेंट। देखिए बहुत ही अच्छा पैटर्न है, एक तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर लॉन्ग टर्म चार्ट्स पे है, शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे एक कप एंड हैंडल का पैटर्न भी देखने को मिल रहा है, तो मल्टीपल पैटर्न एक ही जगह देखने को मिले तो एक बहुत बड़ा ब्रेकआउट नॉर्मली कहलाता है। तो मेरा मानना है कि करंट लेवल जो कि 7077 की क्लोजिंग है, करंट लेवल्स के आसपास बाय करें, थोड़ा सा डिप मिले तो और बाय करें, आपका स्टॉप लॉस 80 पॉइंट नीचे यानी 7000 के आसपास होना चाहिए, थोड़ा सा एक से दो दिन का या पोजिशनली नजरिया रखे। मेरा मानना है कि 7500 के आसपास के टारगेट्स आते कई दिनों में देखने को मिलेंगे, तो ये 450-450 पॉइंट की रैली आपको देखने को मिलेगी अल्ट्राटेक में, तो उसका एडवांटेज लेना चाहिए।
ओके तो कन्विक्शन किरण जी का अल्ट्राटेक में बनता हुआ 7,500 तक का टारगेट इवेंचुअली दिख रहा है, 7,000 के स्टॉप लॉस के साथ आपको यहां पर खरीद की रिकमेंडेशन किरण जी की तरफ से। सुमित जी हमारे साथ बने हुए हैं, उनकी पिक ऑफ द डे लेते हैं। सुमित जी मॉर्निंग, वंस अगेन वेलकम, बताइए आपकी पिक ऑफ द डे आज कहां पर है? वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए पिक ऑफ द डे के तौर पे जो स्टॉक सिलेक्ट करना है वो है सिप्ला। सिप्ला के अंदर मोमेंटम बना हुआ है, सिप्ला के अंदर तेजी का व्यू देखने को, तेजी का ट्रेंड देखने को मिलना चाहिए, तेजी का व्यू लेके इसके अंदर काम करना चाहिए। सिप्ला में 1120 का नीचे में सपोर्ट बनेगा, तो 1120 का इसके अंदर स्टॉप लॉस लगाना है। कोई भी डिप आता है तो खरीदारी करें, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड रख के चले। यहां से सिप्ला में जो मोमेंटम बनेगा उसके अंदर ऊपर में जो पहला टारगेट बनेगा वो 1160 रुपए का है और दूसरा टारगेट 1170 रुपए का है। तो थोड़ा सा डिफेंसिव स्टॉक्स या सेक्टर को भी सिलेक्ट करना चाहिए यहाँ पे, जिस तरह की मूव मार्केट्स के अंदर देखने को मिल रहा है उसको मद्देनजर रखते हुए मैंने सिप्ला को सिलेक्ट किया है 1160-1170 के टारगेट्स के लिए 1120 के स्टॉप लॉस से। ओके तो सिप्ला पर भी रखिए नजर, कल तो अच्छे मूव यहाँ पर भी आ रहे थे। सिटी साहब भी है हमारे साथ तैयार, सिटी साहब स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग सर, बताएं आपकी पिक ऑफ द डे कौन सी रहेगी? गुड मॉर्निंग दीपांशु, गुड मॉर्निंग नेहा। बिल्कुल दीपांशु, बाजार में मूड माहौल बहुत ही अच्छा है। कल हमने देखा जिस तरह से जेरम पॉवेल के जो स्टेटमेंट आए कि जो रेट हाइक का जो कर उसकी पेस को स्लो करेंगे, तो उसके बाद से हमने एक जबरदस्त तेजी इंटरनेशनली मतलब डाउ जोन्स में, नैसडैक में, S&P 500 में देखी, और इसको मोरलेस हमने काफी हद तक प्रीएम्प्ट कर लिया था। कल हमारे बाजार में एक बहुत दमदार तेजी हुई कल, डिस्पाइट द फैक्ट कि इंटरनेशनल क्यूज कल पॉजिटिव नहीं थे। तो मुझे लगता है ये थोड़ी बहुत तेजी तो ऑलरेडी हो चुकी है, बट स्टिल वी वुड सडनली डू वेल, और आज अच्छी तेजी होनी चाहिए। और मेरी जो आज पिक ऑफ द डे है वो एक आईटी स्टॉक रहेगा, बिकॉज जिस तरह की कल नैसडैक में 4.5% की तेजी हुई है, मुझे लगता है यहाँ पे भी जो सबड्यूड आईटी सेक्टर है वहां पे उसका एक इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो मैंने आज पिक किया है विप्रो को, जो कि कल 407 के लेवल्स पे बंद हुआ है, और इसमें आज खबरें भी है, शायद इन्होंने कुछ अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ कुछ करार किया अपने कोई प्रोडक्ट को या कोई सर्विसेज देने के लिए। तो मुझे लगता है ये स्टॉक आज अच्छा करेगा, 415-420 के मेरे टारगेट है और 402 रुपए का स्टॉप लॉस है। विप्रो के साथ आज सेठी साहब जाना चाहेंगे, कल हमने आईटी से भी अच्छा पार्टिसिपेशन बनते हुए देखा था। सेठी साहब बताएं और कौन से स्टॉक्स लेकर आए आप? और चार स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह है। जो दूसरा स्टॉक है वो भी आईटी स्पेस से है, बट इस बार मिड कैप आईटी स्टॉक है, स्टॉक का नाम है बिरला सॉफ्ट। इस स्टॉक में भी बहुत तेज गिरावट हुई थी और उसके बाद से रिकवरी शुरू हुई है। कल यह स्टॉक 305 के आसपास बंद हुआ, मुझे लगता है इसमें भी आज तेजी और होनी चाहिए, 315 के टारगेट है, 300 रुपए का स्टॉप लॉस। थर्ड स्टॉक रहेगा ऑटो कंपनी हीरो मोटोकॉर्प। आज ऑटो कंपनीज के जो नवंबर महीने के सेल्स नंबर्स आने वाले हैं, तो मुझे लगता है वो अच्छे होने चाहिए। फिर ऐसी अटकलें चल रही है कि इन्होंने अपने प्राइजेस हाइक करे हैं कुछ मोटरसाइकिल्स के, तो उसका एक इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो इसमें खरीदारी करने की सलाह है 2920 के टारगेट के लिए, 2810 का स्टॉप लॉस। चौथा स्टॉक मुझे लगता है मेटल स्टॉक्स, पर्टिकुलरली स्टील वाले स्टॉक्स, उनमें एक अच्छी तेजी होनी चाहिए। वहां से मैंने पिक किया है जिंदल स्टील एंड पावर, JSPL को, 535 पे कल क्लोज हुआ, 550 के टारगेट, 530 का स्टॉप लॉस। और फाइनली मुझे लगता है अंबुजा सीमेंट में भी आज एक अच्छी तेजी बननी चाहिए, और ऐसे भी माना जा रहा है कि सीमेंट कंपनीज भी अपने प्राइजेस हाइक करने जा रहे हैं, तो उसका भी एक असर देखने को मिलेगा। और हमने कल लास्ट हाफ एन आवर ऑफ ट्रेड में अच्छी बाइंग देखी है सभी सीमेंट स्टॉक्स में। तो अंबुजा सीमेंट में खरीदारी करने की सलाह, 585 का टारगेट, 565 का स्टॉप लॉस। ओके तो बेहतरीन पिक्स सिटी साहब की तरफ से, जहां पर आपको रखनी है नजर JSPL, यहां पर आप करें खरीदारी, 550 का टारगेट, 530 का स्टॉप लॉस। अंबुजा सीमेंट 585 का टारगेट, 565 का स्टॉप लॉस। इसके साथ ही हीरो मोटो 2920 का टारगेट, 2810 का स्टॉप लॉस। बिरला सॉफ्ट 315 का टारगेट, 300 का स्टॉप लॉस। एंड ऑफ कोर्स पिक ऑफ द डे में विप्रो है, 415 का टारगेट, 402 का स्टॉप लॉस। बेहतरीन आइडियाज सेठी साहब की तरफ से। पालिया साहब का भी करते हैं स्वागत, पालिया साहब गुड मॉर्निंग सर, पिक ऑफ द डे बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु जी, तो पिक ऑफ द वीक में जो स्टॉक रहेगा वो रहेगा ब्रिटानिया। स्टॉक में काफी स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन देखने को मिला, और जिस तरीके से इसने अपने एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट यहाँ पे डेली वीकली मंथली चार्ट पे करते हुए दिखा है, हमें लगता है ब्रिटानिया यहाँ से एक अच्छा अपमूव कंटिन्यू करेगा। एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें हम टारगेट 4450-4480 तक के, स्टॉप लॉस होगा ब्रिटानिया फ्यूचर में करीब 4340 के आसपास। ब्रिटानिया पर करके चली है आपको खरीदारी, दो दिनों से एक बढ़िया ब्रेकआउट एफएमसीजी में आया हुआ है, इनफैक्ट अक्रॉस एफएमसीजी काउंटर्स हमने अच्छी मूव देखी है। सिटीज अब HUL 4% दौड़ा था परसों, कल भी हमने 2% की मूव देखी। ब्रिटानिया दो दिनों से अच्छे एक्शन में है, नेस्ले, कोलगेट, टाटा कंज्यूमर, ITC एक्शन में आ रहा है सर, सडनली बाजार का फोकस एफएमसीजी में कहां से आ गया?
नहीं बिल्कुल दीपांशु, पिछले दो तीन दिनों से हमने देखा बाजार की जो रैली है उसको लीड किया है ये जितने भी एफएमसीजी स्टॉक्स है, खास करके एचयूएल ब्रिटेनिया में एक बहुत अच्छी तेजी हुई है। मुझे लगता है ये सेक्टर एक पेरेनली अच्छा सेक्टर रहना चाहिए, ये कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहेगा, बट जब बाजार में एक तेजी रहती है और जब बाकी सेक्टर्स अच्छा करते हैं तो इनका रोल थोड़ा कम हो जाता है और ये थोड़े सब्ड्यूड रहते हैं। मुझे लगता है इन दो तीन दिनों की तेजी के बाद आज एफएमसीजी सेक्टर कंपैरेटिवली थोड़ा अंडर परफॉर्म कर सकता है। तो कंपैरेटिवली थोड़ा अंडर परफॉर्म कर सकता है, आईटी सेक्टर थोड़ा रेडार पर आ गया है बट इस पर रखनी है नजर। ओके, आज खबरों के दम पर कई सारे काउंटर्स हैं जो आपके रेडार पर आ सकते हैं। एफएमसीजी के लिए वैसे खबर भी है कि पैकेजिंग रूल्स में जो बदलाव है जो आज से लागू होने वाले थे वो अब जनवरी से लागू होंगे, तो थोड़ा टाइम इन्हें और मिल गया है इन रूल्स को फोकस में लाने के लिए। इनफैक्ट एविएशन सेक्टर पर भी फोकस करना चाहिए, वो लगातार यहाँ पर बाजिंग है। कल तो हमने देखा था जो टाटा सन्स के विलय की बात आई थी यहाँ पर एयर इंडिया और विस्तारा के बीच में, उसके बाद हमने देखा था कि इंटरग्लोब एविएशन इसको अच्छा खासा सपोर्ट मिला था। और अब जो एटीएफ की कीमतें घटाने की बात आई है 2775 रुपए किलो लीटर के हिसाब से, तो एक और एरिया है जिस पर फोकस करना होगा। इनफैक्ट इस पर एक चेक लेते हैं। पालविया साहब, आपका क्या व्यू बन रहा है इंटरग्लोब एविएशन एंड एविएशन सेक्टर इन जनरल? तो इंडिगो में देखें तो पिछले दिनों से एक अच्छी रिकवरी यहां पे देखने को मिली, और ऑलमोस्ट अगर हम इसके सेटअप को देखें, नियर टर्म सेटअप, तो स्टॉक अपने एक रेजिस्टेंस जोन के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है जिस तरीके के अब सेटअप बने, 1960 इसके लिए एक इमीडिएट लेवल है। अगर ये इसके ऊपर क्रॉस करने में कामयाब होता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट इसका 2020-2040 तक आते हुए दिख सकता है। तो व्यू पॉजिटिव है, करंट लेवल से भी बाय करने की सलाह, अगर छोटा मोटा डिप मिलता है तो भी ऐड करना चाहिए। करंट लेवल से स्टॉप लॉस जो है वो करीब 1900 के आसपास है, और ब्रेकआउट जो बनेगा इसका 1965 के ऊपर बनेगा, वहां से फिर 2040 तक की तेजी इसमें कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। ओके, तो यह है आपके लिए इंटरग्लोब, जहां पर रखनी है नजर। मेटल स्टॉक्स भी रेडार पर रहे, मॉइल यहां पर हमने प्राइस कट होते हुए देखा है, बाकी मेटल्स में स्पेशली एनएमडीसी में हमने रिसेंटली प्राइस हाइक्स देखे हैं। कुछ चैनल्स से रिकमेंड भी कर रहे हैं कि कुछ और कंपनियों ने भी प्राइस बढ़ाए, बट मॉइल ने अपने प्राइस की कटौती करी है। कल डेज लो पर भी बंद हुआ था। कुणाल जी, एक बार जरा मॉइल का चार्ट देख लेंगे सर? देखिए दीपांशु, जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है स्टॉक पे, हमने कंसोलिडेशन होता हुआ देखा है और 170 रुपए के आसपास एक रेजिस्टेंस है जिसको अभी तक स्टॉक पार नहीं कर पाया, तो मुझे लगता है कि एक सीमित दायरे का कारोबार देखने को मिलेगा। हो सकता है इस खबर के बाद कुछ आपको स्टॉक नीचे भी आता हुआ दिखे। नीचे के लेवल्स पर बाइंग इंटरेस्ट है और ये लेवल जो है वो 160 रुपए के आसपास है, तो एक सीमित दायरे का कारोबार स्टॉक में अपेक्षित है, तो तुरंत कोई खरीदारी की राय नहीं। इसके अलावा जाइडस लाइफ साइंस, उस पर भी फोकस करते हैं। खबर आई है कि यूएस एफडीए से इनकी मिर्गी की दवा को परमिशन मिल गई है, स्टॉक में कुछ एक्शन देखने को मिला है और कल हमने कुछ स्ट्रेंथ भी बनते हुए देखी है। बंसल जी, आपसे जानना चाहेंगे यहां से अब क्या व्यू बन रहा है जाइडस लाइफ साइंस? देखिए नेहा, अगर यहां देखा तो यहां पर एक पॉजिटिव क्रॉसओवर ऑलरेडी देखने को मिला है और टेक्निकली नीचे में 400 से लेकर 404 का जो लेवल है काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, तो जिनके पास है बने रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि इन स्तरों पर 400 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर खरीदारी भी करनी चाहिए, और टेक्निकली यहाँ पर पहला लक्ष्य जो बैठता है वो लगभग 440 प्लस का बैठता है, तो रिवर्सल ऑफ ट्रेंड है, खरीदारी की राय है जाइडस लाइफ साइंसेज पर। तो फार्मा शेयर्स में एक बढ़िया रोटेशन आ गया है, जाइडस इस पर रखनी है आपको नजर। फार्मा से जुड़ी कंपनी शिल्पा मेडिकेयर, इनकी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को जीएमपी गुड मेडिकल मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस का सर्टिफिकेट मिला है। कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स यहां पर बनते हैं जो इनके लिए इंपॉर्टेंट भी है। वैसे सिटी साहब, कुछ ज्यादा एक्शन में रहा नहीं है शिल्पा मेडिकेयर, बट कोई व्यू है इस चार्ट पर सर? देखिए दीपांशु, आज ही पॉजिटिव खबर पे हो सकता है स्टॉक थोड़ा चल जाए, बट इस तरह के स्टॉक पे एक निवेशक को निवेश करने की सलाह नहीं रहेगी। मुझे लगता है अगर विद इन फार्मा स्पेस भी आपको रहना है तो बहुत सारी इससे बेटर क्वालिटी की अच्छे परफॉर्म करने वाली कंपनियां लिस्टेड है, मुझे लगता है उनमें अगर ध्यान देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। शिल्पा मेडिकेयर में अगर किसी का ट्रेडिंग नजरिया और किसी ने कल ही लिया हो और आज अगर अच्छे खासे उछाल आता है तो उसमें प्रॉफिट बुक करने की सलाह। कॉस्मो फर्स्ट पे क्या व्यू बन रहा है? बोर्ड की बैठक में बायबैक पर विचार है, तो जरा बताइए इस पे आपकी क्या धारणा बन रही है? नया ये मेरे से है क्वेश्चन? हाँ जी सर, आपसे पूछा कॉस्मो फर्स्ट। हाँ जी बिल्कुल, एक बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी की पैकेजिंग कंपनी है, और ये जब खबरें आती है बायबैक के लिए किसी कंपनी ने बोर्ड मीटिंग कॉल करी है तो उसके बाद
एक अंटिल द डेट व्हेन द बायबैक इज अनाउंस्ड, मुझे लगता है एक स्टॉक में अच्छी तेजी आमतौर पर रहती है, और वैसे ये तो एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी है, सेक्टर अच्छा कर रहा है, मुझे लगता है इस स्टॉक में बिल्कुल खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए, या जिन्होंने लिया हुआ उनको थोड़ा इंतजार करना चाहिए, मुझे लगता है आने वाले दिनों में और अच्छे अपसाइड देखने को मिलेंगे। ओके, तो कॉस्मो फर्स्ट पे रखिए नजर, बायबैक के लिए भी हो रहा है तैयार, और बढ़िया अपसाइड यहां पर आपको दिख सकता है। कुछ रेलवे स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे, आरवीएनएल, टीटागढ़, सीमेंस, एक वंदे भारत ट्रेन बनाने के लिए 200 लाइटवेट ट्रेन्स के ऑर्डर के लिए बोलियां मंगाई गई हैं, 26,000 करोड़ का ये ऑर्डर है, तो बड़ा ऑर्डर ये हो सकता है इन सारी कंपनीज के लिए। टीटागढ़, इस पर एक बार राय ली जाए, सुमित जी एक बार जरा इसका चार्ट देखें, वैसे तो बाकी सारे रेलवे स्टॉक्स भी एक्शन में, कल ऑफकोर्स थोड़ा मुनाफा वसूली का दिन था, अदरवाइज तो जबरदस्त मूव रही है, टीटागढ़ का चार्ट क्या कहता है सर? जो स्टॉक का स्ट्रक्चर तो मजबूत है, स्टॉक में तेजी देखने को मिल रहा है, और स्टॉक यहां से भी और भी ऊपर का मूव दिखा सकता है, तो एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करके चल सकते हैं, कोई भी डिप आता है तो डिप पर खरीदारी करें, ऊपर में इसका इमीडिएट हर्डल 195 से 200 रुपए के आसपास का बनेगा, वहां तक का मूव इमीडिएटली आने वाले दिनों में टीटागढ़ वेगर यानी TWL के अंदर देखने को मिल सकता है। नीचे के अंदर स्टॉक का जो सपोर्ट है 170-174 के पास है, तो कोई भी डिप आता है तो खरीदारी कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करके चले, 195 से 200 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में टीटागढ़ वेगर में देखने को मिल सकता है। ओके, टीटागढ़ पर रखिए नजर, और बाकी रेलवे स्टॉक्स पर भी रखिए नजर, बोली लगाने के लिए ये सबसे आगे है। बट आइए करते हैं शुरुआत फर्स्ट रेट की एलआईडी। स्वागत है आपका फर्स्ट ट्रेड में, जबरदस्त तेजी में है बाजार, अच्छे संकेत आ रहे हैं, और कल की तेजी के बाद आज भी मूड माहौल बढ़िया बना हुआ है, तो क्या आज फिर से लगेंगे नए रिकॉर्ड है, कहां तक जा सकता है बाजार, वीकली एक्सपायरी के दिन कैसा रहेगा एक्शन, स्वागत है आपका जी बिजनेस में, मैं हूं दीपांशु भंडारी, नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद, और भरपूर एक्शन के लिए हम हैं बिल्कुल तैयार। इनफैक्ट दीप, कहां अब 3 दिनों की सुस्ती में भी हमें इतना एक्शन मिल गया, तो जब आपको यहां पर डबल इंजन पुश मिल रहा है ग्लोबल मार्केट्स का, तब तो क्या ही कहने, उल्टा ना पड़ जाए। मूड बहुत बढ़िया दिख रहा है, और 19,000 का लेवल एसिक्स पर आ गया, ऑफकोर्स हमारे लिए ओपनिंग पर तो ये नहीं रहेगा, बट क्या एक अटेम्प्ट बाजार बना सकता है आने वाले दिनों में, आज की चाल कैसी रहेगी, वीकली एक्सपायरी का भी दिन है इस पर है फोकस, डाउ फ्यूचर्स कल 750 अंकों की छलांग लगाने के बाद एकदम सपाट, नैसडैक भी एकदम सपाट, एशिया के बाजारों में दमदार तेजी, 1-1.5% ऊपर, एसजेएक्स निफ्टी भी करीब 70 अंक ऊपर ट्रेड करते हुए आपको दिख रहा है। आइए एक बार आज की जो इंपॉर्टेंट खबरें हैं उस पर एक बार कर लेते हैं फोकस, वरुण है हमारे साथ तैयार बताने के लिए, मॉर्निंग वरुण बताएं। मॉर्निंग दीप, तो सबसे पहले एविएशन काउंटर्स यहाँ पे नजर रखेगा, क्योंकि ओएमसीज ने एटीएफ के दाम जो है उसमें कटौती की है, 2,775 रुपए प्रति किलो लीटर की कटौती की गई है। एफएमसीजी कंपनियों पर नजर रखेगा, इनको थोड़ी राहत मिली है, क्योंकि आज से जो पैकेजिंग के नए नियम लागू होने वाले थे उसकी तारीख में बदलाव हो चुका है, अब ये 1 जनवरी 2023 से लागू होंगे, लेकिन हाँ लागू होंगे। इसके अलावा मोइल यहाँ पे इन्होंने कटौती की है, फेरोग्रेड मैग्नेस और के जो दाम है उसमें करीब 5% के आसपास की कटौती की गई है, बाकी प्रोडक्ट्स में भी कटौती है, आज से लागू हो जाएगा। केपीआई ग्रीन एनर्जी, कल बोर्ड की बैठक थी, 1:1 बोनस शेयर को यहाँ बोर्ड ने मंजूरी दे दी है, और 29 जनवरी को बोनस शेयर क्रेडिट होंगे आपके अकाउंट में। इसके अलावा शिल्पा मेडिकेयर, तेलंगाना में इनका एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था, उसको हेल्थ कनाडा से जीएमपी मंजूरी मिली, यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट मिला है। आखिरी में जाइडस लाइफ, यहाँ पे यूएसएफडीए से इस कंपनी को मिर्गी के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली एक दवा जो है उसका अप्रूवल मिला है, यूएस में इसकी सालाना बिक्री जो है $6.8 करोड़ के आसपास की है। ओके, तो ये है आपके लिए सारी की सारी आज सुबह की खबरें, देखते हैं इस पर कैसा मूव आपको आते हुए दिख सकता है। मूव और भी कई अच्छे काउंटर्स में आपको बनते हुए दिखा है बाजार की इस तेजी में, और रोटेशन काफी बढ़िया हो रहा है। कल ऑफकोर्स एमएससीआई की रीबैलेंसिंग थी, तो वरुण बेवरेजेस के काउंटर में हमने एक बड़ा उछाल देखा, क्या आज फॉलो अप एक्शन आ सकता है यानी इस काउंटर में, ये देखना जरूरी है। पाले साहब एक बार वरुण बेवरेजेस का चार्ट देखे सर, कल तो बड़ी तेजी में था, एमएससीआई की रीबैलेंसिंग भी थी, उसकी वजह से खरीदारी भी आई, अब चार्ट पर क्या भी बनता है? तो दीपांशु जी, ओवरऑल तो स्ट्रक्चर बहुत ही पॉजिटिव है, और स्टॉक में जो भी छोटी मोटी डिप मिलती है तो वहां पे एक बाइंग इंटरेस्ट बिल्कुल बना हुआ है, तो एक कंटिन्यूस अप ट्रेंड में ये स्टॉक ट्रेवल
दिख रहा है, तो हमें लगता है कि स्टॉक में कल का जो उछाल बना था उसके बाद अगर ये अब वापस स्टॉक 1250 के ऊपर ही ट्रेड करता हुआ मिलता है आज के सेशन में, तो फर्दर एक्सटेंड भी हो सकता है यहाँ से बाइंग एक्शन, और जो कि स्टॉक को फिर 1330 1340 की तरफ भी लेके जा सकता है। ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव, अगर कोई छोटा मोटा डिप भी मिलता है तो हमें लगता है कि इसमें ऐड ही करना चाहिए पोजिशन। 1180 के आसपास इसके अच्छे सपोर्ट बने हुए, तो डिप में भी बाय करने की सलाह है, और इवन आज 1250 के ऊपर वापस ट्रेड करता हुआ मिलेगा तो भी यहाँ पे बाय ही किया जा सकता है। 1330 1340 तक की अपसाइड हमें लगता है शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकती है। तो ये आपके लिए वरुण बेवरेजेस, जहां पर रखनी है आपको नजर। टाटा एलेक्सी में भी कल रीबैलेंसिंग का एक्शन था, एबीबी भी था, टीवीएस मोटर्स था, तो कुछ एमएससीआई रीबैलेंसिंग स्टॉक्स थे कल जो आपको रेडार पर रखने, और आज देखते हैं यहां पर कैसा मूव आ सकता है। आइए एक बार प्री ओपन आए उससे पहले हमारे इस एक्सपर्ट्स की आज की जो दमदार रिकमेंडेशन है उनको मैं आपको एक बार फिर से याद दिला देता हूं। 1300 के टारगेट के लिए खरीदारी की राय है हैवेल्स पर बंसल जी की तरफ से, इस काउंटर पर रखनी है आपको नजर। यूनाइटेड स्पिरिट्स, ये है कुणाल जी की पसंद, खरीदारी करके चले। 955 का टारगेट इवेंचुअली तो 4 डिजिट्स में आने वाला है। सुमित बगड़िया को पसंद है सिप्ला, 1160 के टारगेट के लिए यहां पर आप कर सकते हैं खरीदारी। इसके अलावा अल्ट्राटेक, किरण जी की पसंद, 7500 का टारगेट, 7000 का स्टॉप लॉस। और पालिया साहब के रिडार पर है ब्रिटानिया, 4450 का टारगेट, 4382 का स्टॉप लॉस लगाना है आपको। सिटी साहब, विप्रो है इनकी पसंद, यहाँ पर कर रहे हैं खरीदारी, 415 का टारगेट, 402 का स्टॉप लॉस। और उसके अलावा तो सिटीज आपके रिडार पर बिरला सॉफ्ट, हीरो मोटो, जीएसपीएल और अंबुजा सीमेंट भी है, इन पर भी रखनी है आपको नजर। आइए प्री ओपन की करते हैं तैयारी, और अच्छे मूड माहौल में आपको बाजार दिख रहे हैं। करेंसी मार्केट पर भी करना पड़ेगा फोकस, क्योंकि डॉलर इंडेक्स गिर कर आया है, तो रुपए कल भी स्ट्रेंथ दिखा रहा था, करीब 30 पैसे मजबूत बंद हुआ। आज देखते हैं किस तरह की मूव आती है, करीब 2 हफ्ते की ऊंचाई पर आपको रुपया भी दिख रहा है। एशिया के बाजारों का सहारा है, हमारे बाजार रिकॉर्ड स्तरों पर है, और अच्छे मूड माहौल के बीच आप ओपनिंग के इंतजार कर रहे हैं। 19,000 आपको प्री ओपन में दिख गया, ओपनिंग पर ये लेवल नहीं आएगा, बट नंदलेस अच्छा लगता है स्क्रीन पर ये लेवल देखना। रेट्स एक बार सेटल होने देते हैं, नया तब तक बताइए कमोडिटी करेंसी में क्या चल रहा है। बिल्कुल देखिए, करेंसी तो बिल्कुल एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग के लिए पॉइज्ड है, लेकिन मीनवाइल धमाकेदार ओपनिंग हमने कमोडिटी मार्केट में देखी है। चांदी 7 महीने की ऊंचाई पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में थी, आज 1000 रुपए की स्ट्रेंथ लेकर खुली है, 63300 के पास इसने ओपनिंग अपनी दिखाई है। इसके साथ साथ बाकी मेटल्स पर भी नजर डालें, कॉपर जो कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एलएमई पर 2 हफ्ते के हाइस पर है, एल्यूमिनियम 3 हफ्ते के हाइस पर है, यहां पर भी एक तगड़ी ओपनिंग हुई है, 0.5% ऊपर इस समय कॉपर खुलता हुआ नजर आया है। गोल्ड की भी बात करें, जो फरवरी कॉन्ट्रैक्ट है जो कि फिलहाल सबसे एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है एमसीएक्स पर, ये 53,300 पर, मतलब 53,000 का आंकड़ा फिर पार करके 370 रुपए ऊपर खुलता हुआ नजर आया है। कच्चा तेल ये प्रेशर में आया, और ये इसलिए भी है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में फिर से ऊपरी स्तरों से दबाव दिखा। याद रखिए, सप्लाई साइड कितना भी यहां पर स्क्वीज होता हुआ दिखे, लेकिन जो डिमांड साइड है उसको लेकर अभी भी चाइना की तरफ से पूरी क्लैरिटी नहीं है, तो ये एक फैक्टर है जो अभी भी अपना प्रेशर क्रिएट कर रहा है। 0.5% नीचे इस समय कच्चा तेल नजर आ रहा है। एक बार रुपए की चाल पर नजर डाल लेते हैं, 81.07 रुपए दीप, ये बहुत जबरदस्त स्ट्रेंथ लेकर खुला है, हम वही एक्सपेक्ट भी करके चल रहे थे। और एग्जैक्टली अगर देख लें तो ये दो से ढाई हफ्ते के हाइस के पास रुपया खुला है, तो क्लियरली एक जबरदस्त स्ट्रेंथ देखने को मिली है। और हफ्ते के लिहाज से भी देखें तो एक बहुत तगड़ा मूवमेंट यहां पर जो करेंसी है रुपी है वो दिखा रहा है। इनफैक्ट 0.5% वीकली बेसिस पर अभी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है, और मंथली बेसिस पर भी बात की जाए 2% की स्ट्रेंथ यहां पर दिखाई दे रही है दीप। तो क्लियरली रुपए में यहां पर तगड़ा मूव दिखाई दे रहा है, और हो सकता है कि 81 का भी लेवल एक बार पार हो जाए नीचे की तरफ, तो आ जाएगा। बहुत मजा आ जाएगा यहाँ पे। इनफैक्ट आज हम कुछ एक्सपर्ट से बात भी कर रहे थे सुबह के सेशन में, वो मान रहे हैं कि डॉलर पीक आउट हुआ और 103 के लेवल के लिए अब आपको तैयार हो जाना चाहिए, विच क्लियरली मींस कि 80 और 79 जैसा लेवल रुपए में आपको देखने को। जबरदस्त, तो बढ़िया मूव है, बाजार के साथ साथ रुपया भी आपको दमदार एक्शन में आते हुए दिख रहा है, और कल की डॉलर सुस्ती का इम्पैक्ट है जो आपकी स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। देखते हैं आज 81 के नीचे जाता है या नहीं। आइए एक बार देख लेते हैं आज की ट्रेडर्स डायरी की दमदार रिकमेंडेशंस, कौन से स्टॉक्स पर रखनी है नजर। आपके लिए आज की कॉल्स आ रही हैं वरुण और कुशल की तरफ से। कैश में खरीदारी करना है लिखिता इंफ्रा में, 490 के लक्ष्य 460 का स्टॉप लॉस रखेगा। आशीष कचोलिया ने यहाँ पे 400,000 शेयर्स खरीदे हैं, उसका इंपैक्ट आपको देखने मिलेगा। फ्यूचर्स में परसिस्टेंट सिस्टम, यहाँ पे खरीदारी कीजिएगा, मिड कैप आईटी स्टॉक्स में तेजी हो सकती है। ऑप्शंस, नैलको का 78 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। टेक्निकली बिरला सॉफ्ट अच्छा लगता है। फंडामेंटली टाटा मोटर्स में आपको खरीदारी करना है,
खबरों के दम पे तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक, यहाँ पे आप खरीदारी कीजिएगा। इसके अलावा निवेश करना है आपको हैप्पीएस्ट माइंड में, माई चॉइस में, टाटा स्टील, इंटरग्लोब एविएशन और जयश्री टी में आपको करनी है खरीदारी। और आज का मेरा बेस्ट पिक है बिरला सॉफ्ट। मिड कैप आईटी काउंटर्स में अच्छी खासी तेजी आज के ट्रेडिंग सेशन में आपको देखने मिल सकती है। इसके लिए बिरला सॉफ्ट में आप दाव लगा सकते हैं 320 के लक्ष्य के लिए। चलिए बेहतरीन खबर पर, शिल्पा मेडिकेयर केयर सेगमेंट से पसंद आ रहा है, साथ ही फ्यूचर्स कैटेगरी में आईटी और मेटल काउंटर्स, यहां पर आपको नजर रखनी है तो कोफोर्ज इसके साथ जाना चाहूंगा, यहां पर अच्छी तेजी बन सकती है। साथ ही टीसीएस, इसका कॉल ऑप्शन आपको खरीद कर चलना है एट द मनी वाला। जीएसपीएल भी अच्छा लग रहा है, कल 4% की मूव थी, आज भी अच्छी तेजी दिखा सकता है। साथ ही टाटा एलेक्साई, यहां पर अगले 6 महीनों में 8,000 रुपए के टारगेट्स आपको कंफर्टेबली आते हुए दिख सकते हैं, अट्रैक्टिव लेवल्स है खरीदारी के। एचडीएफसी बैंक काफी दिनों के बाद रेडार पर आया है, प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस का काउंटर, 2,000 रुपए के लक्ष्य अगले एक साल में भी आ सकते हैं। ओएनजीसी कच्चे तेल की तेजी में आज अच्छा पार्टिसिपेट कर सकता है, साथ ही माइचर्स कैटेगरी में एनएनडीसी, एम्फेसिस और यूबीएल, यहां पर आपको खरीदारी करनी है। और इन सब में आज के लिए मेरा भी बेस्ट पिक मिड कैप आईटी काउंटर से ही है, और कोफोर्ज मुझे लग रहा है कि सबसे हाई बीटा मिड कैप काउंटर, यहां पर काफी अच्छी आउट परफॉर्मेंस आज के सत्र में बन सकती है, जिस तरह से बॉन्ड यील्ड्स गिरती हुई दिखी है और यूएस के बाजारों में नैस्डैक में शानदार तेजी रही। तो ये है आपके लिए आज की कुछ दमदार रिकमेंडेशंस, और भी बढ़िया रिकमेंडेशंस और स्टॉक्स हमारे एक्सपर्ट से हम बात करें, बट एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है मार्केट के लिहाज से जो जानना जरूरी है। सभी ने कैश और एफएनओ के नेट सेटलमेंट पर सर्कुलर जारी किया है, डिटेल जानकारी क्या है सर्कुलर की, कब से होगा लागू, क्या जानना है आपको, आइए हमारे संवाददाता ब्रिजेश मिश्रा जुड़ रहे हैं इसके बारे में और खबर लेकर। ब्रिजेश बताइए क्या है ये सर्कुलर और कितना इंपॉर्टेंट है बाजार के लिए? बिल्कुल, ये अगर देखें तो एक बड़ी रिलीफ की बात है कि जो नेट सेटलमेंट की खबर हमने बताई थी पहले, अब उस पर फाइनली सर्कुलर आ गया है, यानी ये अमल में आने के लिए ऐलान कर दिया गया है, अमल में लाने का ऐलान कर दिया गया है। और ये जो अमल में आएगा वो मार्च 2023 की जो एक्सपायरी होगी उसके बाद उससे अमल में ये लाया जाएगा। तो इसका जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो यही होगा कि आप अलग अलग जो करते हैं कैश सेगमेंट में और इक्विटी एफएनओ में जो आप सौदे करते हैं, तो उन सबका पहले अलग अलग सेटलमेंट करना पड़ता था। तो अब जो है जो सेटलमेंट है वो नेट बेसिस पे होगा, यानी जो आपकी लेनदारी होगी और जो आपकी देनदारी होगी दोनों को मैच किया जाएगा और जो बनता होगा वही रकम आपको देना पड़ेगा। लेकिन इसका फायदा जो है वो केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनका ट्रेडिंग मेंबर और क्लियरिंग मेंबर कॉमन है। अगर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन और क्लियरिंग मेंबर कॉमन नहीं है तो इसका फायदा नहीं ले पाएंगे। साथ ही ये जो सुविधा होगी ये एफपीआई सहित जितने भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनको भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जो डिलीवरी की कंडीशन होती है वो यहाँ वो पूरी करने के बाद एक इसमें जो है बाधा बनेगी। तो ये जो सर्कुलर है ये मार्च 2023 की जो एक्सपायरी है उसके बाद से लागू करने की तैयारी है। एक बात और लेकिन यहाँ जानना जरूरी है कि नेट सेटलमेंट तो होगा लेकिन जो स्टैम्प ड्यूटी की लायबिलिटी है और जो एसटीटी की लायबिलिटी है उसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं होगा, क्योंकि ये सेटलमेंट जो है वो आसानी के लिए लाया गया है, ना कि टैक्स और स्टैम्प ड्यूटी का जो बर्डन है वो कम करने के लिए। ओके, तो कंप्लायंस बर्डन थोड़ा कम हो जाएगा, नेट सेटलमेंट है आसानी हो जाएगी, प्रोसीजरल आसानी आपके लिए हो जाएगी, बट हाँ कोई टैक्स अवॉइडेंस है, टैक्स से राहत की इसकी बात नहीं है, बट डेफिनेटली बड़ा स्टेप है बाजार के प्रोसेसेस को और स्ट्रेंथन और स्मूथ करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रिजेश आज सुबह जुड़ने के लिए और ये खास इंपॉर्टेंट खबर हमारे सामने रखने के लिए। आइए कुछ ही देर में रेट्स भी सेटल होने के लिए तैयार हैं, उससे पहले एक बार जरा बैंक्स पर राय लेनी थी किरण जी की तरफ से। किरण जी, बैंक निफ्टी कल एक तो अच्छी मूव आई, थोड़ा पीसीआर भी बढ़कर आया है, जरा राय दें सर, और कोई बैंकिंग स्टॉक जो इस समय रेडार पर रहना चाहिए चार्ट्स के हिसाब से? दीप, पहले पीसीआर के बारे में बात करेंगे। पीसीआर कल जो बंद हुआ लगभग 1.537 पे हुआ, काफी लोग इसको ओवर बॉट कहते हैं, पर मेरा मानना है कि इसका इस तरीके से नहीं देखना चाहिए। नॉर्मली पीसीआर का रेंज जो है वो 0.8 ऑन द लोअर साइड, 1.6 ऑन द हायर साइड, ये नॉर्मल मार्केट कंडीशंस में होता है। बेरिश या करेक्टिव मार्केट कंडीशंस में 1.4 ओवर बॉट हो जाता है, पर तेजी का मार्केट जब आता है तो पीसीआर का ओवर बॉट पोजिशन होता है 1.6 और उसके ऊपर, हम उसके नीचे है। और दूसरी और इंपॉर्टेंट बात है, कल आखिरी एक घंटे में हमने रैली देखी और जो रैली हमने देखी उसमें बहुत सारे शॉर्ट कवरिंग हो सकती है और वो शॉर्ट कवरिंग नेक्स्ट हफ्ते में शिफ्ट हो सकते हैं।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज शाम की जो पीसीआर वैल्यू है वो देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर मार्केट थोड़ा सा साइडवेज ऊपर गैप से खुलता है और थोड़ा सा साइडवेज चलता है तो पीसीआर ड्रास्टिकली ड्रॉप होगा और फिर वापस एक बार हमें रैली देखने को मिलेगी। बैंक निफ्टी जहां तक बात करते हैं, मेरा मानना है कि बैंक निफ्टी में फ्यूचर्स के बारे में बात करूंगा। बैंक निफ्टी का मेरा मानना है कि इधर से एक अच्छी मूव देखने को मिल जानी चाहिए। पिछले चार दिनों का कंसोलिडेशन है, अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिला है निफ्टी के अगेंस्ट, तो मेरा मानना है कि बैंक निफ्टी लगभग 43,600-43,800 तक के लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। अगर छोटा सा गैप से खुलता है और उधर से वापस एक बार और मूव आती है तो मेरा मानना है कि हमें कैजुअली ये टारगेट देखने को मिलेंगे। बैंक निफ्टी में जो स्टॉक्स देखना है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉक रहेगा आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, जो कि बहुत बड़ा वेटेज पकड़ते हैं। तो मेरा मानना है कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इस पर ध्यान देना चाहिए, स्पेसिफिकली आईसीआईसीआई बैंक जो कि एक मार्केट आउट परफॉर्मर रहा है और इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ICICI बैंक यहां पर आपको करना है फोकस, बट बैंक निफ्टी भी नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर आपके लिए खुलने की तैयारी में है। इसी का इंतजार था, ऑलरेडी ये बना चुका था, बट इस हफ्ते जो कंसोलिडेशन चल रही थी बैंक निफ्टी में वो आज नकार कर पिछले थर्सडे आखिरी लाइफ हाई बना था बैंक निफ्टी ने, अब आपको फिर से बैंक निफ्टी रिकॉर्ड हाई पर है और इस रन में पहली बार है जब तीनों इंडेक्स रिकॉर्ड हाई एक साथ बना रहे हैं। सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी तीनों के तीनों नए रिकॉर्ड ऊंचाई पर खुलने की तैयारी आपको दे रहे हैं, तो बधाई सारे एक्सपर्ट्स को एक बार फिर से। लगातार चौथा दिन है जब आप निफ्टी में हाई देख रहे हैं, वैसे तो पिछले दो हफ्तों से यह प्रक्रिया जारी है, बट पहला दिन है ऐसा जब तीनों इंडेक्स आपको एक साथ इंट्राडे में लाइफ हाई बनाते हुए दिखेंगे। 43,512 बैंक निफ्टी 280 पॉइंट ऊपर खुलने की तैयारी में, 18,871 72 ही मान लीजिए 113 पॉइंट ऊपर निफ्टी खुल रहा है नई लाइफ हाई पर, और सेंसेक्स 258 पॉइंट ऊपर 63,358 के लेवल पर। तो जबरदस्त मोमेंटम में बाजार और लाइफ हाई पर खुलने की तैयारी इस समय आती हुई दिख रही है। बाजार का मूड बढ़िया रहेगा। कल ऑटोज की तरफ से भी अच्छा योगदान रहा और आज ऑटो की बिक्री के आंकड़े आना शुरू हो गए। बजाज ऑटो कुल बिक्री 3.06 लाख यूनिट्स, थोड़ा अनुमान से कम है, अनुमान हमने लगाया था 3.28 लाख यूनिट्स का, तो ओवरऑल बिक्री थोड़ा अनुमान से कम है। टू व्हीलर बिक्री 2.6 लाख यूनिट्स की, हमने अनुमान लगाया था 2.9 लाख यूनिट्स का, तो पहला जो आंकड़ा आया है वो थोड़ा अनुमान से कम आपको आते हुए दिख रहा है। सिटी साहब एक बार जरा बजाज ऑटो पर अपनी राय भी दे दें सर। देखिए जो आंकड़े आए हैं वो उम्मीद से कम है, तो उस वजह से थोड़ा इसमें प्रेशर रह सकता है, बट मेरा जो फोकस था वो आज सुबह मैंने रिकमेंड भी किया हीरो मोटोकॉर्प पे, मुझे लगता है ज्यादा भरोसा लग रहा है और उस पर तेजी की सलाह रहेगी। बाकी बजाज ऑटो के भी नंबर्स के लिहाज से आज थोड़ा वीक रह सकता है, बट ओवरऑल मैं ऑटो सेक्टर पे बुलिश हूँ और अगर अच्छी खासी कोई गिरावट मिलती है तो इसमें भी खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। ओके, तो यह आपके लिए बजाज ऑटो फर्स्ट कट, थोड़ा अनुमान से कम इसके आंकड़े आते हुए दिख रहे हैं, इसलिए शायद ये भी थोड़ा सुस्त खुल रहा है। तीन ही स्टॉक्स हैं निफ्टी के जो नेगेटिव टेरिटरी में खुल रहे हैं, यूपीएल, बजाज ऑटो और एचयूएल। उसके सामने 47 निफ्टी के काउंटर्स हैं जो आपको पॉजिटिव टेरिटरी में खुलते हुए दिखेंगे। और आईटी की लीडरशिप बरकरार है, टॉप फोर जो स्टॉक्स हैं वो सारे के सारे आईटी हैं, विप्रो, टेक महिंद्रा, इंफोसिस, टीसीएस, चारों के चारों पॉजिटिव टेरिटरी में खुल रहे हैं। विप्रो सिटी साहब की पसंद है ही, इन्फी टीसीएस भी हमने मोमेंटम में देखा है, टेक महिंद्रा, बंसल जी जरा इसका एक बार चार्ट देखें, ये भी 1.5% ऊपर खुलने की तैयारी में है, इसका चार्ट क्या कहता है सर? दीपांशु इसका चार्ट देखें तो इसका चार्ट भी पॉजिटिव है, काफी समय से स्टॉक साइडवेज जोन में कंसोलिडेट कर रहा है। 1091-1092 के लेवल्स टूटेंगे तब यहां पर एक बड़ा अपमूव देखने को मिलेगा और ये लेवल्स टूटने के बाद 18 से 25 रुपए का अपमूव देखने को मिलेगा। जिनके पास है दीपांशु बने रहने की राय है और ऑन द वर्ज ऑफ अ ब्रेकआउट ही है, तो जिनके पास है बने रहे और एक बार लेवल्स टूटे तब एग्रेसिवली खरीदारी की राय होगी। ओके, तो यह है आपके लिए टेक महिंद्रा जहां पर रखनी है आपको नजर, चारों के चारों टॉप गेनर्स आपके लिए आईटी पैक से आ रहे हैं। टाटा स्टील और हिंडालको में भी अच्छी मूव दिख रहे हैं। एक्सिस बैंक ये थोड़े समय बाद आपको रेडार पर दिखेगा और एसबीआई ये भी मूवमेंट के लिए तैयार है। एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी इससे भी आपको अच्छा मूवमेंट दिख रहा है, तो बाजार अच्छी शुरुआत के पूरे पूरे संकेत आपको इस समय दे रहा है। एक बार रिलायंस इंडस्ट्रीज के चार्ट पर भी राय ले ली जाए, इनफैक्ट स्टॉक पर ही राय लेनी है क्योंकि आज सीरीज आप दो तरफ के व्यू आ रहे हैं। जेफरीज इन्होंने टारगेट 3100 का दिया है और मक्वायरी इन्होंने टारगेट 2000 का दिया है। पहले कौन सा लेवल आएगा सर? रिलायंस रिसेंटली एक बड़ा ब्रेकआउट इसने भी दिखाया था।
दीपांशु पहले का तो वर्ड ही नहीं है, मुझे लगता है जेफरीज वाले टारगेट ही आएंगे इसमें 2000 के लेवल्स रिलायंस में, मुझे लगता नहीं है कि आएंगे कोई भी कारण से। बाकी मैं इस स्टॉक पे बहुत ही बुलिश हूँ, मुझे लगता है आने वाले महीनों में बहुत अच्छे अच्छे डेवलपमेंट्स आने चाहिए, जैसे डीमर्जर का है या फिर और भी कई कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट्स आ सकते हैं। मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो का हिस्सा होना चाहिए और मैं लॉन्ग टर्म टारगेट इस पे मेरा आगे आने वाले 9 से 12 महीने का टारगेट है रिलायंस पे। ओके, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज पर भी रखिए नजर, इसका भी योगदान बाजार के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। आईटी इस पर भी डालते हैं नजर, पिछले 2 दिनों से उतना एक्टिव नहीं रहा, बीच बीच में थोड़ी मूव्स आ जाती हैं, एफएमसीजी भी रेडार पर रहा है। पालिया साहब एक बार आईटीसी पर राय दें सर प्लीज। दीपांशु जी काफी समय से देखें तो स्टॉक एक साइडवेज कंसोलिडेशन करते हुए दिख रहा है, ओवरऑल स्ट्रक्चर तो पॉजिटिव है, हमें लगता है कि यहाँ पे अगर ये डिप मिलती टुवर्ड्स 335-336 तो ये एक अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने के लिए। ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है स्टॉक में, जैसे ही 346 के लेवल क्रॉस होंगे वापस ये अपना अप ट्रेंड रिज्यूम करते हुए दिखेगा, देन हायर साइड में 355-360 तक की अपसाइड वापस आते हुए दिखेगी, तो डिप्स में बाय करने की सलाह है। ओवरऑल स्टॉक का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, ओवरऑल स्टॉक का सेक्टर पॉजिटिव, कोई परेशानी की बात नहीं है। नजर रखिए आईटीसी आज, ये भी आपको ट्रेड में इंपॉर्टेंट रहेगा। एक क्विक व्यू एचडीएफसी बैंक पर सुमित जी, कल तो पार्टिसिपेट कर रहा था एचडीएफसी बैंक, आज दीपांशु अभी यहाँ से और मोमेंटम देखना बाकी है। एचडीएफसी बैंक चार्ट्स के ऊपर मजबूत दिख रहा है, ये है कि एक अच्छी तेजी के बाद स्टॉक पिछले 10 से 15 दिनों में एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, जिसकी इसकी जो रेंज बनी हुई है 1580 नीचे में सपोर्ट बना हुआ है और ऊपर के अंदर 1620-1630 का रेजिस्टेंस है, तो 1620-1630 का रेजिस्टेंस लेवल जैसे ही ब्रेक होगा उसके बाद मोमेंटम और बढ़ेगा और 1680 रुपए से लेकर 1700 रुपए तक के लेवल एचडीएफसी बैंक में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। तो जिन्होंने पोजीशंस बना रखी है वो होल्ड करें, कोई भी डिप आता है खरीदारी करें, 1680-1700 जल्दी ही दिखाएगा ये लेवल्स। ओके, बट ओपनिंग पर नए रिकॉर्ड्स आपको बाजार दिखाते हुए दिख रहा है, जबरदस्त ओपनिंग है, सेंचुरी लगाकर निफ्टी खुलते हुए दिख रहा है, सेंसेक्स और ऊपर जा रहा है इस समय और बैंक निफ्टी भी नए रिकॉर्ड्स पर, तीनों इंडेसीज लाइफ हाई पर आपको खुलते हुए दिख रहे हैं। तीसरी महाशक्ति का बड़ा योगदान इस तेजी में जो रहा है वो आपको बरकरार दिख रहा है, जबरदस्त मूवमेंट आ रहा है। आईटी लीडरशिप इस समय ले रहा है, टेक महिंद्रा, इंफोसिस, विप्रो, एचसीएल टेक, टीसीएस टॉप 5 गेनर्स, हिंडालको लगातार तीसरे दिन इसमें पॉजिटिव मोमेंटम है, टाटा स्टील में हो रही है अच्छी खरीदारी, कोल इंडिया आज पार्टिसिपेट कर रहा है, एचडीएफसी बैंक इसमें एक्शन आपको दिखेगा, टाटा मोटर्स में आपको मूव आ रहा है, एसबीआई, बजाज फिनसर्व, जेएसडब्ल्यू स्टील, ग्रासिम, एलएनटी, अल्ट्राटेक, एमएनएम, एचडीएफसी लिमिटेड ये भी आपको मूवमेंट दिखा रहे हैं। इंडसइंड बैंक जो 2 दिनों से सुस्त था आज थोड़ा रिवाइवल इसमें भी दिख रहा है, एक्सिस बैंक में भी खरीदारी है, मारुति सुजुकी भी आपको पॉजिटिव दिखेगा, टेक महिंद्रा 2% ऊपर है टॉप गेनर, बजाज ऑटो नंबर्स ने किया है डिसअपॉइंट और स्टॉक को भी मिल रहा है पनिशमेंट 3.5% नीचे, टाटा कंज्यूमर हल्की गिरावट, यूपीएल हल्की गिरावट, डिवीज, एचयूएल, नेस्ले, ब्रिटानिया भी मामूली गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं, ब्रेथ बेहद मजबूत है, सिर्फ 8 स्टॉक्स नेगेटिव हैं, 42 निफ्टी के काउंटर्स आपको पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, थोड़ा ऊपर से हल्का हुआ है बैंक निफ्टी बट अदरवाइज स्ट्रेंथ बरकरार है और निफ्टी भी ओपनिंग लेवल्स के आसपास ही आपको ट्रेड करते दिखेगा। वायदा कारोबार की तरफ आइए, बिरला सॉफ्ट जबरदस्त खरीदारी इस काउंटर में आ रही है, सिटी साहब की पिक अच्छे एक्शन में, कोफोर्ज, फर्स्ट सोर्स, आज आईटी की लीडरशिप का दिन दिख रहा है, कल हमने रोटेशन में ऑलरेडी देख लिया था आईटी स्टॉक्स मोमेंटम में आ रहे हैं, अब लीडरशिप दिखा रहे हैं, तो बिरला सॉफ्ट, कोफोर्ज, फर्स्ट सोर्स, एलएनटी इन्फोटेक, इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना, एलएनटी टेक, ब्रॉडर मार्केट से ये सारे हैं और सारे के सारे लार्ज कैप आईटी तो ऑफकोर्स आपको तेजी में दिख ही रहे हैं। इसके अलावा मूव आ रही है नैलको में, इंडिया मार्ट में हो रही है खरीदारी हो रही है सेल में, एनएमडीसी भी पॉजिटिव आपको दिख रहा है, हिंदुस्तान कॉपर कल की तेजी के बाद आज अच्छा दिख रहा है, पीरामल एंटरप्राइजेस, इन्फो एज यहां पर खरीदारी है, बंधन बैंक पॉजिटिव मोमेंटम है, आरबीएल बैंक में भी अच्छा मोमेंटम आ रहा है, डीएलएफ, इंटर ग्लोब, गोदरेज प्रॉपर्टीज, सन फार्मा, ओरो फार्मा यहां पर भी आपको मोमेंटम दिख रहा है, तो आईटी के साथ साथ थोड़ा फार्मा भी आपको तेजी में दिखेगा। थोड़ा कंजम्पशन में प्रेशर है एचयूएल के अलावा, आप यूनाइटेड स्पिरिट्स में हल्की वीकनेस देख रहे हैं, पिडलाइट भी थोड़ा गिरा हुआ है इस समय, कोलगेट भी वीक आपको दिख रहा है, गिरावट आ रही है टोरेंट फार्मा में, श्रीराम फाइनेंस, ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का नाम बदलकर अब श्रीराम फाइनेंस हो गया, यह ध्यान रखिएगा स्टॉक सेम है सिर्फ नाम बदला है, ट्रांसपोर्ट फाइनेंस से अब ये श्रीराम फाइनेंस ही रहेगा। इस पर थोड़ी वीकनेस आपको दिखेगी, कॉनकॉर, आईसीआईसीआई प्रू, सिंजीन, बाटा यहां पर वीकनेस है, पेज इंडस्ट्रीज, ट्रेंट, एबी फैशन यहां पर भी आपको हल्की फुल्की गिरावट दिख रही है इस समय स्क्रीन पर। कैश मार्केट की तरफ आए, शिल्पा मेडिकेयर खबर के दम पर 7% उछलता हुआ ये काउंटर आपको दिख रहा है, इजी ट्रिप प्लानर्स आज एक एक्विजिशन पर बोर्ड बैठक है वहां पर आपको नजर रखनी है, हैटसन एग्रो ये भी फंड रेजिंग की बैठक करने वाले हैं उस पर एक्शन दिख रहा है, मिंदा कॉप ये रेडार पर रखिए खरीदारी इसमें दिख रही है, केआरबीएल अच्छे मोमेंटम में आ रहे हैं, एलगी इक्विपमेंट, पीबी फिनटेक, ऑयल इंडिया, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक, कल स्टॉक की भी चर्चा हो रही थी ये भी आपको रेडार पर रखना है।
मॉइल दाम घटाएं, इस पर रखिए नजर। केपीआई ग्रीन, यहां पर उन्होंने 1:1 के बोनस का ऐलान किया है। आरबीएनएल टीटागढ़ जैसे स्टॉक्स पर भी रखिए नजर, जो बड़ा वंदे भारत ट्रेन का ऑर्डर आ रहा है। सांगी इंडस्ट्रीज, यहां पर बोर्ड बैठक होने वाली है फंड रेजिंग पर। न्यूरेका, यहां पर प्रमोटर की तरफ से सेलिंग हुई है। जोमैटो, कल अलीबाबा की तरफ से यहां पर थोड़ी स्टेक सेल हुई थी, पर उसके सामने टेमासेक ने खरीदारी भी करी है और स्टॉक आपको पॉजिटिव टेरिटरी में दिख रहा है। पीसी ज्वेलर्स, यहां पर केपरी ग्लोबल ने कल करीब 40 लाख शेयर्स का अधिग्रहण किया था। कुछ और कैश स्टॉक्स जहां पर आपको मूवमेंट दिख रहा है, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स 4% नीचे, यहां पर गिरावट है। एक्सो नोबल में प्रेशर आ रहा है। सीसीएल प्रोडक्ट्स में आपको गिरावट देखेगी। यूटीआई, एएमसी, सिंफनी, नोवोको, विस्टास, ट्यूब इन्वेस्टमेंट, सैनोफी और साथ ही ग्राइंडवेल नॉर्टन, यहां पर भी आपको वीकनेस दिख रही है। बट ओवरऑल बाजार बढ़िया मोमेंटम में है। लीडरशिप निफ्टी की बरकरार है, 100 पॉइंट ऊपर होल्ड करते हुए आपको दिख रहा है। बैंक निफ्टी भी आपको 250 पॉइंट ऊपर होल्ड करते हुए दिख रहा है। 63,500 के ऊपर अब आपको सेंसेक्स जाते हुए दिख रहा है, नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर बाजार इस समय। और हिंडाल्को स्टार बना हुआ है इस समय, टॉप गेनर एक बार फिर से, लगातार तीसरा दिन है जब ओपनिंग पर टॉप गेनर है हिंडाल्को। आइए ओपनिंग के बाद का पहला बिगुल चार्ट कॉर्नर राकेश जी कुणाल जी के लिए। बताएं सर। दीपांशु, हमारा चार्ट कॉर्नर पिक है एचडीएफसी बैंक। एक बड़े मूव के बाद स्टॉक साइडवेज हुआ था, कल के सत्र में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर देखने को मिला था और आज के सत्र में देखें तो पिछले 3 दिन के हाईस के ऊपर स्टॉक निकला है, एक बुलिश कैंडल बनी है। ओवर टू कुणाल जी। देखिए 30 मिनट चार्ट अगर देखा जाए दीपांशु, तो इस चार्ट पर बन रहा है एक पैटर्न जिसको सिमेट्रिकल ट्रायंगल कहते हैं। पूरा त्रिभुज कंप्लीट हो चुका है, ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नजर आ रहा है। तो एचडीएफसी बैंक खरीदारी की हमारी राय है और यहां पर एक स्टॉप लॉस रखें, स्टॉप लॉस रखना है 1620 रुपए पर। 1620 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें। पहला टारगेट होगा 1670 का, 1670 का पहला टारगेट और इवेंचुअली टारगेट 1695 का, 1695 का होगा। तो 1670 1695 के टारगेट के लिए एचडीएफसी बैंक में हमारी खरीदारी कराए। तो एचडीएफसी बैंक पर रखें नजर, ये लीडरशिप दिखा रहा है। अभी ओपनिंग से पहले सुमित जी भी कह ही रहे थे कि यहां से आपको और बढ़िया तेजी एचडीएफसी बैंक में दिखेगी। बट एच लेटर के स्टॉक्स के लिए अच्छा दिन है। एचडीएफसी बैंक के साथ साथ एचडीएफसी लाइफ और एचडीएफसी परफॉर्म कर रहे हैं। हिंडाल्को टॉप गेनर है और एचसीएल टेक भी आपको मोमेंटम में आते हुए दिख रहा है। तो ये सारे के सारे काउंटर्स अच्छी तेजी में है। लाइफ हाई पर है एलएनटी, इस पर भी रखनी है नजर। एक बार किरण जी से एलएनटी के चार्ट पर राय ली जाए। किरण जी जरा देखें सर, एलएनटी चार्ट पैटर्न काफी स्ट्रांग है। मेरा मानना है कि इधर से और अपसाइड देखने को मिलने चाहिए। सिर्फ एक ही हर्डल है, 2100 का जो लेवल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कैश लेवल्स में। अगर ये क्रॉस होता है तो मेरा मानना है कि और बढ़त देखने को मिलेगी, क्योंकि इधर एक ऑप्शन बैरियर है, 9 लाख शेयर्स है तो थोड़ा सा इधर एक बैरियर है। तो ये एक बार 2100 निकल जाता है तो मेरा मानना है कि आपको इंट्राडे में बहुत अच्छी मूव देखने को मिलेगी। पर अगर आप पोजिशन आपकी लॉन्ग पोजिशन है तो होल्ड करने की सलाह है। 2085 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स के लिए 2140 के लेवल्स पोजिशनली देखने को मिलेंगे। और दीप, मेरे लिए एक बिगुल चाहिए। किरण जी बस एक मिनट में आपके पास आ रहा हूं, सुमित जी ने हाथ पहले खड़ा कर दिया था, बस एक मिनट में आया किरण जी। बिगुल सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। दीपांशु, बाय का स्टॉक रडार पे आया है, स्टॉक का भाव चल रहा है 32.70 रुपया, 32.75 रुपया, और ये स्टॉक यहां से भागने को और बढ़िया मूव दिखाने को तैयार है। स्टॉक का नाम है सुबेक्स लिमिटेड। सुबेक्स लिमिटेड के अंदर मोमेंटम बन रहा है, 200 डीएमए लेवल्स आज ब्रेक हो रहे हैं, हफ्ते भर के हाई के ऊपर आ चुका है, स्विंग हाई स्टॉक ब्रेक कर रहा है और एक ब्रेकआउट स्टॉक के अंदर देखने को मिल रहा है। पॉजिटिव प्राइस एक्शन अच्छे वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक के अंदर देखने को मिल रहा है। स्टॉक यहां से मिनिमम 10% 20% तक का मूव दिखाने को तैयार है। छोटा सा स्टॉप लॉस नीचे में लगाएं, 31 रुपए 50 पैसे के आसपास का। यहां से ऊपर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं 36 रुपए का, इसका पहला टारगेट बनेगा। 36 रुपए का लेवल ब्रेक होने पे 38 रुपए तक के लेवल सुबेक्स के अंदर देखने को मिल सकते हैं। खरीदारी करें 31 के स्टॉप लॉस से, 36 से 38 तक के टारगेट के लिए 2-3 दिनों के अंदर ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो 36 से 38 के टारगेट के लिए सुबेक्स, इस पर करनी है खरीदारी। आइए बिगुल किरण जी के लिए, किरण का कमाल। बताएं किरण जी।
दीप, मेटल्स में बहुत अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है और जिस तरीके से कल अल्ट्राटेक का एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर और कप एंड हैंडल का पैटर्न देखने को मिला, वैसा ही आज हिंडल को मैं देखने को मिल रहा है। और उसमें एक और बात अच्छी है, ये है कि 460 का जो ऑप्शन बैरियर है उसको हमने क्रॉस किया है, वो जहां पे लगभग 13.6 लाख शेयर्स है, तो उसके शॉर्ट कवरिंग के चलते मुझे लगता है कि और बढ़त देखने को मिलेगी। अभी इमीडिएटली बाय करना है, अभी फ्यूचर में 466.50 के आसपास ट्रेड हो रहा है, 460 के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और टारगेट्स मेरा मानना है कि काफी बड़े है। 475 का पहला टारगेट रहेगा, 482 का दूसरा, 485 का तीसरा टारगेट। ये तीनों टारगेट्स के लिए लॉन्ग पोजीशंस हिंडाल्को में क्रिएट करने की सलाह होगी। ओके, तो हिंडाल्को में लॉन्ग पोजीशंस करें क्रिएट, खरीदारी करके चलनी है इस काउंटर पर, टॉप गेनर है इस समय बाजार का। आइए मुदित जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर बीटीएसटी के लिए। बताएं मुझे जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग दीप, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बिल्कुल देखिए, ओपनिंग नोट पे मेटल स्टॉक्स में काफी अच्छी चमक देखने को मिल रही है, तो मैं जो स्टॉक लेकर आया हूँ वो भी एक मेटल स्टॉक, मेटल सेक्टर से ही है और जहाँ पर बड़ा कंसोलिडेशन था उसका ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। मैं बात कर रहा हूँ नेशनल एल्युमिनियम, नेल्को। नेशनल एल्युमिनियम को यहाँ पर लॉन्ग करके चलेंगे, 7820 स्पॉट के लेवल है, यहीं पर खरीदारी करके चलने की सलाह दे रहे हैं। इंटरडे का पहला टारगेट 81 का होगा, दूसरा टारगेट 82 का रहेगा, स्टॉप लॉस होगा 76 का। अब सुनिए, स्टॉक को बाय क्यों करना है। स्टॉक में करीब 5 महीने का कंसोलिडेशन था, उस कंसोलिडेशन में स्टॉक में एक कप एंड हैंडल पैटर्न बनाया, उसका ब्रेकआउट देखने को मिला है। वीकली चार्ट को अगर हम देखते हैं तो वीकली चार्ट पर फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है और सबसे अच्छी चीज दीप स्टॉक को चुनने की वजह यह है, कल जितने दिन, पूरे दिन में जितने वॉल्यूम के साथ काम हुआ था उसका 25-30% वॉल्यूम महज 5 मिनट के अंदर देखने को मिला है। बहुत बढ़िया वॉल्यूम के साथ इस काउंटर में बाइंग देखने को मिल रही है। 81-82 के टारगेट्स के लिए नेशनल एल्युमिनियम इंट्राडे के लिए बाय करके चल सकते हैं। पोजीशन भी अगर ट्रेड बनाना चाहते हैं तो 86 तक के अपसाइड मूव नेशनल एल्युमिनियम में नजर आते हैं, स्टॉप लॉस रहेगा 76 का। ओके, तो नेल्को पर करें खरीदारी, बढ़िया वॉल्यूम्स के साथ एक अच्छा वाला ब्रेकआउट इस काउंटर पर दिख रहा है। कोई और कॉल सर? नहीं, एक ही स्टॉक के साथ जा रहे हैं, उम्मीद है 82 के टारगेट आज इंट्राडे में देखने को मिलने चाहिए। ओके, 82 के टारगेट इंट्राडे में आ सकते हैं, नेल्को पर रखें नजर। बिगुल पालव्यास आपके लिए बीटीएसटी और उसके बाद आपके लिए एक खास एक्सक्लूसिव खबर भी आने की तैयारी में है। बताएं पालव्यास साहब। दीपांशु जी, बाय करना है परसिस्टेंट सिस्टम फ्यूचर, ये स्टॉक में काफी एग्रेसिव प्राइस एक्शन यहाँ पे देखने को मिला और जिस तरीके से इसने एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिला है, हमें लगता है ये मोमेंटम इसमें फर्दर एक्सटेंड होगा। जिस तरीके से प्रीवियस सेशन में भी बाइंग इंटरेस्ट था और आज ओपनिंग के बाद से फॉलो अप बाइंग एक्शन है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसके टारगेट आना चाहिए 43.30 से लेके 43.50 तक के, स्टॉप लॉस रखेंगे करंट लेवल पे 42.40 के आसपास, तो परसिस्टेंट सिस्टम बाय करने की सलाह। ओके, परसिस्टेंट सिस्टम्स पर करें खरीदारी, पालव्यास आपके रिडार पर है ये काउंटर। एस्कॉर्ट्स यहां पर भी आपके लिए बिक्री के आंकड़े आते हुए दिख रहे हैं, एस्कॉर्ट्स पर रखिए नजर। बिक्री के आंकड़े 13% बढ़कर इनकी बिक्री आई है एस्कॉर्ट्स की तरफ से, अनुमान भी हमने लगाया था उसके हिसाब से देखते हैं किस तरह की रही है। घरेलू बिक्री यहां पर 13% बढ़कर आई है, 7,360 यूनिट की, हमने थोड़े ज्यादा अनुमान लगाया था, तो हमारी ओवरऑल बिक्री के मुताबिक थोड़ी कम रही है इनकी घरेलू बिक्री, उतनी अच्छी नहीं है जितना हमारे अनुमान जता रहा था। ट्रैक्टर्स की बिक्री 7,960 यूनिट की रही है, अनुमान 9,200 का था, तो थोड़ा अनुमान से कम, इनफैक्ट थोड़ा नहीं, अनुमान से काफी कम है एस्कॉर्ट्स के बिक्री के आंकड़े, जो जितना अनुमान था बजाज ऑटो में भी हमने ये देखा और अब एस्कॉर्ट्स में भी देख रहे हैं, अनुमान से थोड़ा कमजोर ये बिक्री के आंकड़े आते हुए दिख रहे हैं, उतने स्ट्रांग नहीं है जो रैली ऑटोस की दिखा रही थी या जो बाजार ने माना हुआ था। बिक्री के आंकड़े एस्कॉर्ट्स के आपके सामने, स्टॉक भी रिएक्ट कर रहा है इस समय, गिरते हुए दिख रहा है आपको। बताइए, एक बेहद खास एक्सक्लूसिव खबर लेकर तैयार है हमारे संवाददाता तरुण, चलते हैं उनके पास। तरुण बताइए, कौन सी एक्सक्लूसिव खबर लेकर आए हैं आप? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि आंध्र प्रदेश की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जो पैन इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर कामकाज करती है, नागा अर्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के रडार पर है। हाल ही में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कंपनी के ऊपर सर्वे किया था और इससे पहले जीएसटी ने भी फेक इनवॉइसेस को लेकर
उन पे कार्रवाई की थी। जीएसटी की कार्रवाई के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सर्वे किया और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कई बड़े सबूत मिले हैं कि जो फेक इनवॉइसेस के जरिए टैक्स इवेजन किया गया है। तो इस वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने पर्टिकुलर डिमांड को लेकर कंपनी के ऊपर सर्वे किया था। और जब जी बिजनेस ने कंपनी से पूछा, अपने सवाल भेजे, तो कंपनी ने अभी तक सवालों का जवाब नहीं दिया है। कल उनको उनसे बातचीत के बाद उनको सवाल भेजे गए थे, लेकिन उनका जवाब नहीं आया है। लेकिन नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी जो है वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की रडार पर है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के रडार पर है एनसीसी, नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी। ये एक्सक्लूसिव खबर तरुण हमारे लिए लेकर आ रहे हैं। स्टॉक वैसे मोमेंटम में रहा है, बट समझ में ये आ रहा है सूत्रों के मुताबिक कि इनकम टैक्स और जीएसटी इंटेलिजेंस के रडार पर है एनसीसी। फर्जी इनवॉइस मामले में जीएसटी इंटेलिजेंस ने इनके खिलाफ कार्रवाई भी करी है। आईटी इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट हैदराबाद ने सर्वे भी किया है इन पर। तो एनसीसी रडार पर रखिए। स्टॉक फिलहाल थोड़ा रिएक्ट करते हुए आपको दिख रहा है, करीब 2% नीचे आपको ट्रेड में दिखेगा, बट नंबर्स पर रिएक्ट कर रहा है एस्कॉर्ट्स और नंबर्स आने के बाद स्टॉक में आ रहा है प्रेशर। थोड़ी देर में जैन साहब भी हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं और फिर उनसे भी करेंगे बातचीत और लेंगे उनसे आज का जेम स्टॉक जहां पर आपको मूवमेंट आते हुए देख सकता है। उससे पहले कुछ और काउंटर्स जहां पर अच्छी मूव आ रही है। रूट मोबाइल यहां पर एक बड़ा मूव आते हुए दिख रहा है। कुणाल जी जरा रूट मोबाइल का चार्ट देखें सर, 5% का स्पाइक इस काउंटर में दिख रहा है। देखिए बिल्कुल दीपांशु, रूट मोबाइल में एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है और ये स्टॉक देखिए काफी समय से एकदम ही शांत था और आज इसमें बिल्कुल एक इरप्शन देखने को मिल रहा है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक 1500 तक ऊपर जा सकता है, 1500 पर अगला पड़ाव चार्ट पर नजर आता है, तो बिल्कुल इंटरेस्टिंग मूव है। थोड़ा सा कंसोलिडेट होने का मौका दें और अगर आज बंदी इन्हीं स्तरों के आसपास होती है तो मुझे लगता है कि 1500 के लेवल्स इस पे देखने को मिल सकते हैं। तो जिनके पास पोजिशन है होल्ड करें, 1500 का रिवाइज टारगेट होगा। ओके, तो 1500 का रिवाइज टारगेट होगा। रूट मोबाइल पर रखिए नजर। हैप्पीएस्ट माइंड्स भी आज आपको 3.5% मूव कर रहा है, तो रूट मोबाइल हैप्पीएस्ट माइंड्स दोनों में ही आप एक जबरदस्त मूव बनते हुए देख रहे हैं। कैश स्टॉक्स में अच्छा रोटेशन हो रहा है इस समय बाजार में, अब वहां पर रखनी है आपको नजर, स्पेशली रूट मोबाइल में तो अच्छी खरीदारी आई है। जी शिपिंग भी मूव कर रहा है, इस पर भी रखिए नजर। आईआरएफसी वापस मोमेंटम में आ रहा है, कल एक बड़ा ड्रॉडाउन आया था इस काउंटर में, करेक्शन हुआ था कल सारे रेलवे स्टॉक्स में, बट आज फिर से ये मूव कर रहे हैं। और जेंजा टेक्नोलॉजीज ये भी आपको अच्छे मोमेंटम में आते हुए दिख रहा है, करीब 3.5% ऊपर है ये काउंटर भी। बट आइए 9:30 बज चुके हैं और इसका समय, इसका मतलब है कि समय है जैन साहब के साथ जुड़ने का, जैन के जेम्स के लिए। जैन साहब मॉर्निंग सर, बताएं कौन सा आज खास जेम स्टॉक लेकर आए हैं आप हमारे लिए। बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग दीपांशु जी, स्टॉक लाया हूं जमना ऑटो, एक गजब की कंपनी अगेन, और ये स्टॉक को मैंने काफी बार दिया और हमारे पैनल में सुमित जी है, मैं उनको याद जरूर करता हूं, ये स्टॉक को उन्होंने भी दिया और काफी निचले लेवल से देते आए हम लोग 40-50 रुपए से, और एक बार मैंने 80 रुपए भी दिया था, फिर उसके बाद पोस्ट कोरोना, कोरोना के दौरान करेक्ट हुआ और फिर उसके बाद नॉन स्टॉप चल रहा है ये स्टॉक और बहुत अच्छे लेवल्स ऊपर के दिखाए हैं स्टॉक ने, और वहां से देखिए 136 रुपए के लेवल से आप 110-112 के लेवल्स में स्टॉक मिलता है और प्लस रिजल्ट्स आपके बेहतर आए तो ये सोने पे सुहागा है और चीजें और बेहतर हो रही है। हम देख ही रहे हैं कैसे ऑटो नंबर्स आ रहे हैं, कैसे ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स पूरे सुर्खियों में है, सो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू ग्रैब द स्टॉक, क्योंकि ये अपने अगर 200 डेमाज है 110 के लगभग है उसको भी क्रॉस करके अब ट्रेड करने की कोशिश करेगा ये, सो आई थिंक टेक्निकली बहुत ही राइट टाइम है क्योंकि बॉटम आउट पूरा हो गया और ऊपर के लेवल्स दिख ही रहे हमें 130-135 के लेवल्स, तो वो तो बढ़िया लेवल्स ही है और रिजल्ट्स बढ़िया थे। तो अब मैं आता हूं कंपनी की पेडिग्री के ऊपर। देखिए ऑटोमोटिव सस्पेंशन सॉल्यूशंस की मार्केट लीडर है इंडिया की और करीब 68% जो कंपनी क्लेम करते हैं, करीब 68% इनका मार्केट शेयर है, डोमिनेंट मार्केट शेयर है कुछ कुछ प्रोडक्ट्स में इनके, और आफ्टर मार्केट नेटवर्क भी बहुत स्ट्रांग है कंपनी का और बहुत मतलब करीब 12,000 से ज्यादा रिटेलर्स है, 350 करीब डिस्ट्रीब्यूटर्स है और करीब 15,000 से ज्यादा मैकेनिक्स के पास ये लोग अवेलेबल है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कंपनी के जो बड़े कस्टमर्स है देखिए टाटा मोटर्स और अशोक लेलैंड, तो वहां पे भी इनको काफी रेवेन्यू वहां से आती है, कंपनी के करीब 8 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग लोकेशंस पे प्लांट्स है, तो बहुत बड़ा बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लेके बैठी है और इंडिया की देखिए वन ऑफ द ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर्स तो है ही है और फर्स्ट टू इंट्रोड्यूस पैराबोलिक स्प्रिंग्स इन इंडिया, तो ये इनका पेडिग्री है। और कंपनी के मैं अगर प्रोमोटर्स की बात करूं तो उनका भी मैं प्रोफाइल पढ़ रहा था,
तो वेरी एजुकेटेड प्रोफाइल और बहुत ही बढ़िया प्रोफाइल है, काफी अच्छे अच्छे अलायंसेस भी किए हुए हैं और इतने साल पुरानी 1965 से कंपनी कार्यरत है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। और अब इस स्टॉक में अगर मैं आता हूं फंडामेंटल्स पे, तो सबसे बढ़िया बात है फंडामेंटल्स में 25% की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे कंपनी काम कर रही है, 23% का रिटर्न ऑन इक्विटी है, डिविडेंड पे आउट रेशियो इज वेरी गुड एट अराउंड 39%, सो इसलिए डिविडेंड यील्ड भी 1.5% के लगभग आती है, 1.38%। कंपनी ने पिछले क्वार्टर में डेट्स को भी अच्छा खासा रिड्यूस किया, तो वो भी बहुत कंफर्ट देता है। और फिर मैं क्वार्टरली रिजल्ट्स को देख रहा था, तो डेफिनेटली देखिए रीजन तो था, लाजमी था कि मार्जिन कम होने थे, क्योंकि काफी सेक्टर में जो मेटल्स वगैरह यूज होते हैं तो वहां पे प्रॉफिट मार्जिन में फर्क पड़ा था, तो यहां पे भी पड़ा था 13% के ओपीएम के सामने 10% का ओपीएम था। बट उसके बावजूद भी चूंकि टॉप लाइन में बहुत बड़ी ग्रोथ थी, 352 करोड़ की सेल्स के सामने 553 करोड़, जो कि हाईएस्ट एवर क्वार्टरली सेल्स है कंपनी की, तो इसीलिए पैट भी बहुत बढ़िया बढ़ा, 27 करोड़ के सामने 37 करोड़ और पिछले 5-6 क्वार्टर्स गजब के गए कंपनी के, सो टीटीएम बेसिस पे 170 करोड़ के पैट पे कंपनी बैठी है। और मैं जब शेयर होल्डिंग पैटर्न देख रहा था, तो एफआईआई में एक बहुत ही बड़ा, मतलब जिसका नाम देख के मैं बहुत इंप्रेस होता हूं अगर वो लिस्ट में रहे, तो स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड इसमें इन्वेस्टेड है 3.25% के लगभग, तो एफआईआई ने बढ़ाया है कंटिन्यूअसली अपने स्टेक को, तो 7% से ज्यादा एफआईआई का है। सो ओवरऑल आई फील कि स्टॉक को लेना चाहिए, सो करीब 12-13% 20% 21% एफआईआई डीआईआई के पास है, तो ये भी एक कॉन्फिडेंस देता, तो स्टॉक को इन लेवल्स पे लेना चाहिए और 125-130 के टारगेट के लिए, 125-130 के टारगेट के लिए खरीदारी करिए। जमुना ऑटो ये है आज जैन साहब का जेम्स, एक और ऑटो स्टॉक्स ऑटो स्पेस से जुड़ा हुआ काउंटर। बाय द वे जैन साहब, आपके आने से पहले आपका जेंजा टेक्नोलॉजी भी बढ़िया मोमेंटम में आ रहा था सर। हमने आपने प्रोनाउंसिएशन थोड़ा चेंज कर दिया दीपांशु, मैं सुन रहा था तो आपने जेंसार के जगह पे जेंजार कर दिया, तो वो मैं सुन रहा था तो मैं बोला कि मैं वापस से दीपांशु जी को याद दिलाऊंगा कि इसको जेंसार ही रहने दीजिए, तो लोगों को एटलीस्ट साइडलाइन से जो सुनते हैं उनको लगेगा कि जैन साहब टेक्नोलॉजी है। नहीं, पूरा पूरा एसोसिएशन आप ही के साथ है जैन साहब, वो जैन साहब टेक्नोलॉजीज ही है, वो स्पेलिंग कोई भी हो। बट डिस्क्लोजर और डिस्क्लेमर है, मैं कोई इस स्टॉक में कोई भी मेरा वो नहीं है, अब आजकल ये जरूरी है डिस्क्लेमर्स और डिस्क्लोजर्स देना, एंड जरूरी ये है कि ये स्टॉक बढ़िया करेगा, मुझे लगता है कि मिड कैप आईटी स्टॉक्स विल डू वेल, और बहुत करेक्टेड स्टॉक है और काफी सुस्त भी रहा है, सो आई थिंक जिन्होंने लिया हुआ है ये लेवल्स पे ही, मैंने पिछली बार रेकमेंड किया था जब ये नाम को अटैच कर दिया था और वहां से बहुत बड़ा मूव दिखाया और फिर वापस से उन लेवल्स पे बिकॉज ऑफ द आईटी स्टॉक्स में जो पिटाई हुई है, बट यस इट्स अ गुड स्टॉक टू एक्युमुलेटेड दिस लेवल्स। तो नजर रखिए जेंजार या जेंसार टेक्नोलॉजीज, जहां पर आपको एक्शन आते हुए दिख रहा है, जैसे जैन साहब ने कहा ये मजाक की बात है, वो उनका कुछ लेना देना नहीं है इस काउंटर से, बट स्टॉक आज मोमेंटम में एज ऑल्सो पूरा का पूरा आईटी स्पेस इस समय। आइए सुमित जी के पास चलते हैं और लेते हैं सुमित का सुपर हिट। पता है सर दिवांशु बाय का स्टॉक रडार पे आया है, स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 884 रुपीज 885 रुपीज, स्टॉक का नाम है अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट के अंदर आज मोमेंटम बनना अभी शुरुआत हो रहा है, अदानी पोर्ट पिछले 7-9 दिनों में कंसोलिडेट कर रहा है और बहुत सीमित से दायरे में ट्रेड कर रहा था, लेकिन अब स्टॉक के अंदर यहां से इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आना चाहिए और ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए, खरीदारी करें अदानी पोर्ट। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है 871-873 के पास है, तो 871 का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस होना चाहिए और अदानी पोर्ट के अंदर यहां से मोमेंटम जो बनता है उसके अंदर जो टारगेट बनेंगे 900 रुपए का इसका पहला टारगेट बनेगा, 910 रुपए का इसका दूसरा टारगेट बनेगा, 900 से 910 ये दो टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए अदानी पोर्ट को यहां पे सीएमपी पे खरीदारी करें। मेरे को लग रहा है कि अदानी पोर्ट आने वाले दिनों में एक बढ़िया तेजी दिखाएगा और 900-950 तक का लेवल पोजिशनल तौर पर अदानी पोर्ट के अंदर देखने को मिल सकता है। जस्ट अभी मोमेंटम का शुरुआत है, चूकना नहीं है, 871 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करें, 900 रुपए से लेके 910 रुपए ये इमीडिएट शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के टारगेट होंगे, उसके बाद 950 रुपए तक के लेवल आने वाले दिनों में अदानी पोर्ट में देखने को मिल सकते हैं, खरीदारी करें अदानी पोर्ट। ओके, तो अदानी पोर्ट पर करें खरीदारी, ये आपके लिए रहा है 900-910, वैसे 950 तक जा सकता है पोजिशनल बेसिस पर, बट इंटरडे या ट्रेडिंग के लिए 900-910 के टारगेट के लिए यहां पर आप मोमेंटम बनते हुए देख सकते हैं। हिमांशु गुप्ता साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर, छोटा ऑप्शन बड़ी कमाई। गुड मॉर्निंग हिमांशु जी, बताएं क्या कर रहे हैं आज बाजार में। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू दीप।
संदीप, यहाँ पर दो कॉल्स हैं, दोनों खरीदारी के आइडियाज हैं। पहला स्टॉक रहेगा गैप स्पेस पे, और हमने देखा कि इस पूरे ही सेक्टर में एक अच्छा बस बनता हुआ नजर आ रहा है आज की सेशन में। तो यहाँ पर गुजरात गैस की 520 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन खरीदनी है, जो कि अभी 19 रुपए 20 पैसे 19 रुपए 30 पैसे पे ट्रेड कर रही है। इसमें खरीदारी करके चलना है, 18 रुपए तक इसमें पोजीशन को ऐड करना है। इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 14.5 रुपए का। 25 और 28 रुपए के दो टारगेट गुजरात गैस की 520 की स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में आते हुए नजर आ सकते हैं। जी तक अगर आप चार्ट पैटर्न देखेंगे गुजरात गैस का, तो यहाँ पर एक काफी लंबे समय से एक साइडवेज कंसोलिडेशन बनते हुए नजर आ रही थी, लेकिन आज के पैटर्न में, आज के सेटअप में यहाँ पर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल में से ब्रेकआउट इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है। और मेरा ऐसा मानना है कि ये स्टॉक अब यहाँ से 540 और 550 की तरफ जाने के लिए तैयार है। ऐसा होने पर इस ऑप्शन में जो मैंने टारगेट सुझाए हैं 25-28 रुपए के, अब वो आते हुए नजर आ सकते हैं। और न केवल गुजरात गैस, बल्कि अगर आप MGL IGL दोनों के ही चार्ट देखेंगे तो वहां पर भी एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसके चलते मेरा ऐसा मानना है कि इस स्पेस में एक तेजी देखने को मिल सकती है। इसके साथ दूसरा एक और स्टॉक है, आपसे तो मैं वो भी शुरू करूं। प्लीज बताएं सर। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर अंबुजा सीमेंट की 570 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी, जो कि अभी लगभग 24-24.5 रुपए पर ट्रेड करती है। इसमें 23 रुपए तक खरीदारी करें, 20 रुपए के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन करें, यानी कि सिर्फ 3-4 रुपए का स्टॉप लॉस है। पहला टारगेट रहेगा 30 रुपए का, दूसरा टारगेट रहेगा 35 रुपए का। अंबुजा सीमेंट में एक काफी जबरदस्त पैटर्न बनता हुआ नजर आया है। अगर आप इसका चार्ट सेटअप देखें दीप, तो यहाँ पर एक डबल बॉटम फॉर्मेशन बनते हुए नजर आ रही है। उस फॉर्मेशन में राइट साइड पे जो दूसरा बॉटम है, उसमें एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट होते हुए नजर आ रहा है, जिसकी तैयारी अभी होते हुए नजर आ रही है। ऐसा होता है तो अंबुजा सीमेंट में 595 से 600 रुपए तक का मूव आता हुआ नजर आ सकता है। साथ ही साथ इस पूरे ही स्पेस में एक बज है कि सीमेंट के प्राइसेज में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। कल हमने अल्ट्राटेक सीमेंट में एक शानदार मूव पकड़ा था, ऐसे ही अंबुजा सीमेंट में एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। और ऐसा होने पर इस 570 के स्ट्राइक की कॉल ऑप्शन में काफी अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। तो ये दो स्टॉक आइडियाज रहेंगे मेरी तरफ से दीप आज के लिए। ओके, अंबुजा सीमेंट यहाँ पर करें खरीदारी, 570 का कॉल हिमांशु जी की तरफ से, और गुजरात गैस यहाँ पर 520 का कॉल आपको खरीदना है। दोनों में आपको बढ़िया तेजी बनती हुई दिख सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी कॉल शेयर करने के लिए। चार्ट कॉर्नर चलते हैं राकेश जी कुणाल जी के पास। बताएं सर। दीपांशु, हमारा चार्ट कॉर्नर पिक है टेक महिंद्रा, जिसमें सुबह सुबह आपने प्री ओपनिंग में रैली मांगी थी, तो इसके अंदर देखें तो एक नीट क्लीन क्लियर मच अवेटेड ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। बाकी आईटी स्टॉक जैसे आप देखें तो एसएल टेक वगैरह काफी तेजी से भाग चुके हैं, ये काफी पीछे रह गया है। और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है टेक महिंद्रा का, इजिली 1135 से लेकर 1145 के लेवल्स ऊपर में इसी ऑनगोइंग अपमूव में स्टॉक एक से दो दिन में दिखाने का दमखम रखता है। तो टेक महिंद्रा है हमारा चार्ट कॉर्नर पिक। ओवर टू कुणाल जी। देखिए दीपांशु, यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है और जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है, एक गैप भी बना है जिसको रनवे गैप माना जाना चाहिए। आज के ही ट्रेड में गैप देखने को मिल रहा है, तो टेक महिंद्रा जाना चाहिए 1145-1165 की तरफ। मौजूदा स्तरों पर बाय करके चले, 1100 पर एक स्टॉप लॉस रख लें। पहला टारगेट 1140, दूसरा टारगेट 1160। खरीदारी की राय है टेक महिंद्रा। टेक महिंद्रा पर रखिए नजर, ये सारे काउंटर्स आपको मूव दिखा रहे हैं। और मिड कैप आईटी में देखिए कितना बढ़िया रोटेशन आ रहा है। एम्फेसिस ये एक और काउंटर है जहां पर आपको अच्छी मूव इस समय बनती हुई दिख रही है। रिसेंटली हमारे एक्सपर्ट्स के रिडार पर भी आया था, इनफैक्ट रिकमेंडेशन कल ही था जय ठक्कर की तरफ से, 2050 का कॉल खरीदना, उस पर आपको बढ़िया मूव बनती हुई दिख रही है। परसिस्टेंट सिस्टम्स एक और मिड कैप आईटी काउंटर, यहां पर भी आपको बहुत ही बढ़िया मूव बनती हुई दिख रही है। तो मिड कैप आईटी ये अब आपको रेडार पर ही रहना चाहिए। लार्ज कैप आईटी तो ऑफकोर्स बढ़िया परफॉर्मेंस दिखा ही रहा है। पर आइए, जुड़ने का वक्त हो गया है भसीन साहब के साथ, करते हैं उनका स्वागत। भसीन, क्या सीन शेयर्स? गुड मॉर्निंग भसीन साहब, बताएं सर क्या करना है। आज तो एक बार फिर से नया है और तीनों इंडेक्सेस ने आज साथ में नया है बनाया लंबे समय बाद सर। गुड मॉर्निंग दीपांशु, तो आप अपने उनसे पूछिए जो आप क्या पूछते थे कि प्रीमियम क्यों है, मार्केट क्यों बढ़ी हुई है और लैपटॉप फीलिंग कितनी ह्यूमंगस है। इट पुट्स अ ड्रेस टू ऑल द क्वेश्चंस एंड द क्वेश्चन आंसर विद मोस्ट पीपल हैड हु आर बेरिश। और आपको पता है
वी हैव बीन वन ऑफ द फ्यू हु हैज बीन ऑलवेज बुलिश फ्रॉम 15300 15500. नो रीजन दैट यू बाय द फियर एंड सेल यूफोरिया. दिस अ गुड टाइम इफ यू हैव बुक गॉट गुड स्टॉक्स टू बुक प्रॉफिट. बट आई स्टिल थिंक द पार्टी कैन बी स्टॉक स्पेसिफिक. वी शुड रन अप अ लॉट इन द शॉर्ट रन. मे बी इन अ डे ऑर सो वी सी सम करेक्शन, बट दैट विल बी अ बाइंग अपॉर्चुनिटी. नाउ इवन ग्लोबल क्यूज आर विद यू, सो आई विल यू नो अपडेट यू. और अब मेरे पे तीन पिक्स हैं, आप कहे तो मैं शुरू करूं. जी बसीत साहब बताएं सर. तो दो दिग्गज शेयर्स हैं जो मेरे हिसाब से लार्ज कैप आउट परफॉर्म करेंगे. वो है पहला है भारती. भारती गेट्स मोर प्राइसिंग पावर एंड द 5G इज गोइंग टू बी अ नो ब्रेनर. मुझे लगता है भारती हेडेड टू 900, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 830. सेकेंड पिक इज कोटक बैंक. आई थिंक कोटक इज द बैंक विच विल लीड फ्रॉम द फ्रंट. इफ यू हैव टू गो टू 44,000, कोटक हैज टू गो टू 2100 और मे बी दैट. सो फॉर 2030 प्ले कोटक, कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 1930. Last is my best favorite which I have taken out is MCX. MCX came out with superb numbers. That's the best platform to play rising volumes on all businesses. And I think MCX is very reasonably priced at 1570. 1570 mein lijiye stop loss of 1530. 1700 is coming in MCX. Okay, तो MCX पर करने की राय, खरीदारी करने की राय है. लंबे समय बाद ये काउंटर भी बाजार के रिडार पर आ चुका है. भसीन साहब को पसंद है 1700 के टारगेट के लिए, यहां पर करें खरीदारी. भारती एयरटेल यहां पर करनी है आपको खरीदारी. ये स्टॉक भी मोमेंटम में आपको आते हुए दिख सकता है. टारगेट यहां पर लगाइए आप 900 का, स्टॉप लॉस 830 और साथ ही खरीदारी करें. कोटक बैंक 2000 के पार जाने की तैयारी में यह स्टॉक भी आ रहा है. स्टॉप लॉस यहां पर आपको लगाना है 1930 का. बहुत बहुत शुक्रिया भसीन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और तीन बेहतरीन कॉल्स देने के लिए. भारतीय एयरटेल, एमसीएक्स और कोटक बैंक यहां पर रखनी है आपको नजर. पर नजर है सिद्धार्थ जी की दमदार रिकमेंडेशंस पर. कल वेडनेसडे था, वैसे तो वेडनेसडे को हमारी अपॉइंटमेंट होती है 9:45 सिद्धार्थ जी के साथ सेट की एसआईपी के लिए, बट कल क्योंकि किसी वजह से ये नहीं हो पाया तो आज सिद्धार्थ जी हमारे साथ तैयार. आइए करते हैं उनका स्वागत सिड की एसआईपी. स्वागत है सिद्धार्थ जी, बताएं सर आज कौन सी थीम लेकर आए आप. गुड मॉर्निंग दीप, गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को और सभी दर्शकों को, थैंक यू. आज जो थीम है, हम जनरली ये वर्ड पिक्चरों में सुनते हैं रिटर्न्स. रिटर्न्स खाली पिक्चरों में फिल्मों में नहीं आते हैं, सिट की एसआईपी में भी आते हैं. तो आज का जो थीम है वो है रूरल रिटर्न्स. रूरल थीम है, कंजम्पशन रूरल बहुत दमदार है. तो आज का जो थीम का नाम है वो है रूरल रिटर्न्स. ग्रामीण भारत की थीम है, ग्रामीण भारत की कंजम्पशन की स्टोरी है. वो कौन से पिलर्स है जो ग्रामीण भारत में कंज्यूम कंजम्पशन जोरों से करवा रही है. नॉर्मल मॉनसून्स, सोइंग सीजन स्ट्रॉन्ग है, एमएसपी के दाम में बढ़ोतरी, साथ ही साथ स्ट्रॉन्ग डिमांड ड्राइव है रूरल मार्केट में. वॉल्यूम्स एफएमसीजी का या दूसरे कंजम्पशन के प्रोडक्ट्स का बहुत दमदार आ रहा है. महंगाई कुछ हद तक थोड़ी कूल ऑफ होती दिख रही है, आने वाले क्वार्टर्स में कूल ऑफ हो जाएगी, जिसका सीधा फायदा ग्रामीण इलाकों में दिखेगा. मार्जिन्स इंप्रूव हो सकते हैं ये सारी कंपनियों के. तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से वॉल्यूम्स और मार्जिन्स देखते हुए आज का जो कंजम्पशन का थीम है ग्रामीण इलाके का, और उसका नाम है रूरल रिटर्न्स. ओके, तो रूरल थीम पर फोकस बनाना चाहिए. अब तो बजट की तरफ भी हम लोग हेड कर रहे हैं और काफी सारे इस थीम के स्टॉक्स भी रेडार पर आ जाते हैं. बताएं सर फिर इस थीम में कौन से स्टॉक्स हैं जो आपके रेडार पर हैं. बिल्कुल दीप, आज चार स्टॉक लाए हैं रूरल रिटर्न्स में. सबसे पहला स्टॉक होगा कंजम्पशन एफएमसीजी का जायंट हिंदुस्तान यूनिलीवर. टारगेट रखेगा 2950 का, 30 रुपए लगाना है 100 रुपए में से. स्ट्रॉन्ग पर कैपिटा कंजम्पशन, पर कैपिटा स्पेंड है. आज अगर इंडिया की स्पेंड की बात करूं तो सिर्फ $50 के करीब है, यूएस में $100 है, इमर्जिंग मार्केट्स में $400 के करीब है. अगर मैं चाइना, इंडोनेशिया, थाईलैंड की बात कर दूं तो इंडिया बहुत पीछे है, अभी भी बहुत, दिल्ली अभी बहुत दूर है इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन. साथ ही साथ राइजिंग डिमांड है, फेस्टिव सीजन, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम ग्रोथ आया है. बस अगर देखा जाए तो जो करंट और डिमांड है वो 31% से ग्रो हो सकता है. ब्यूटी, पर्सनल केयर, होम केयर, सभी सेगमेंट पे फायदा मिल सकता है. सबसे बड़ी चीज पाम ऑयल के गिरते प्राइसेस बहुत बड़ा फायदा कर सकते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर के लिए. 2950 का टारगेट. दूसरा स्टॉक होगा रूरल रिटर्न्स में
यूपीएल टारगेट होगा 940 रुपए का, 30 रुपए लगाने हैं 100 रुपए में से। 95% रेवेन्यू एग्रोकेमिकल से आता है, इंडिया में अच्छा बिजनेस हो रहा है, ओवरऑल पर्सपेक्टिव से फिफ्थ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है, नए प्रोडक्ट्स के लॉन्च करने वाली है कंपनी, कॉन्फिडेंट है मैनेजमेंट 12-15% का रेवेन्यू गाइडेंस लाने के लिए, स्ट्रॉन्ग कंपनी यूपीएल जिसका टारगेट है 940, 30 रुपए लगाने हैं 100 रुपए में से। तीसरी कंपनी रूरल रिटर्न्स में होगी टीवीएस मोटर्स, टारगेट आपको रखना है 1330 का, टू व्हीलर्स कैसे भूल सकते हैं, 20 रुपए लगाने हैं 100 रुपए में से। दूसरे तिमाही के जो वॉल्यूम आए हैं 12% से ग्रो हुए हैं, फर्स्ट हाफ में मार्जिन ग्रो हुए हैं, और नए ब्रांड्स जैसे कि रोनिन, एंटॉर्क, ये सारी जगह पे बहुत जोरदार ग्रोथ दिख रहा है। आई क्यूब जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की स्कूटर है इनकी, 25,000 स्कूटर्स की पाइपलाइन है टीवीएस मोटर्स 1330 के टारगेट के लिए। चौथी कंपनी रूरल रिटर्न्स में पाइप की कंपनी होगी सुप्रीम इंडस्ट्रीज, टारगेट होगा 2730 का, अंतिम के 20 रुपए लगाने हैं 100 रुपए में से। नल से जल, ये जो गवर्नमेंट की जो थीम है, जो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से उनकी पॉलिसी है रूरल इंडिया के लिए, ये बहुत कारगर साबित हो सकती है सुप्रीम इंडस्ट्रीज के लिए। 3 लाख घर बनाने की योजना है आने वाले 5 सालों में। डोमेस्टिक पाइपिंग बिजनेस, पीवीसी पाइपिंग बिजनेस का लीडर है सुप्रीम इंडस्ट्रीज, केपेक्स है 700 करोड़ का, 9% का वॉल्यूम ग्रोथ है। तो ये है रूरल रिटर्न्स, रियल इंडिया तो रूरल इंडिया ही है क्योंकि सबसे मेजर पॉपुलेशन रूरल इंडिया में है। मैं मानता हूं कि अब रबी सीजन हमारे सामने है और दमदार आ सकते हैं रबी सीजन, तो रूरल रिटर्न्स आज का थीम। रूरल रिटर्न्स ये है आपके लिए थीम, और कुछ दमदार रिकमेंडेशन है एफएमसीजी, एग्रोकेमिकल, टू व्हीलर, और फिर साथ ही केमिकल स्पेस से भी काउंटर आपको बनते हुए दिख सकता है। तो एचयूएल, यूपीएल, टीवीएस मोटर्स और सुप्रीम इंडस्ट्रीज, ये 4 स्टॉक्स आपके रेडार पर रहने चाहिए सिद्धार्थ जी की तरफ से। और सिद्धार्थ जी को हम धन्यवाद नहीं कह रहे हैं क्योंकि सिद्धार्थ जी हमारे साथ बने रहेंगे एसपीएल मिड कैप्स में भी, आज सिद्धार्थ जी ही हमारे साथ हैं रिकमेंडेशन देने के लिए। तो थोड़ी देर में सिद्धार्थ जी आपसे फिर से करेंगे बातचीत और आपके कुछ बेहतरीन कॉल्स भी लेंगे। आइए तब तक बाजार पर करते हैं फोकस, थोड़ा ऊपर से हल्के हुए हैं बाजार, बट रोटेशन चल रहा है, स्टॉक्स मूवमेंट में आ रहे हैं, आईटी लीडरशिप दिखा रहा है। देखते हैं सुमित जी के रडार पर अब कौन सा काउंटर आया है बिगुल उनके लिए सुमित के सुपर हिट। बताएं सर। जो स्टॉक का भाव चल रहा है 67 रुपीज 20 पैसा, स्टॉक का नाम है स्पिक। मार्केट की इस तेजी में जो स्टॉक करना है पिक वो है स्पिक, SPIC। स्पिक के अंदर मोमेंटम बन रहा है, स्पिक के अंदर रिसेंट के हाई ब्रेक हो रहा है, तेजी के लिए इसके अंदर एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, और स्पिक में मेरे को लग रहा है यहां से 10% का मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा। खरीदारी करें CMP पे, नीचे के अंदर जो इसका सपोर्ट और स्टॉप लॉस बनेगा वो बनेगा 64-63 रुपए के पास, तो 63 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में जो टारगेट बनेगा 72 रुपए से लेके 75 रुपए तक के लेवल स्पिक में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। 72 से 75 के टारगेट्स के लिए करें खरीदारी स्पिक। ओके, तो स्पिक सदन पेट्रो यहां पर आपको करनी है खरीदारी। बढ़िया आपको एक्शन इस काउंटर पर बनते हुए दिख सकता है, 72 और 75 के होंगे इस पर टारगेट्स। जय ठक्कर भी हमारे साथ तैयार, करते हैं उनका स्वागत कैश का ऑप्शन। जय, स्वागत है आपका। पहले तो बधाई, कल जो 18650 का कॉल खरीदवाया था, कल भी अच्छा मूवमेंट दिखा और आज गैप अप में भी वहां पर मूवमेंट आया, तो वहां पर क्या अपडेट्स हैं बताएं। और स्टॉक्स में भी आपके अच्छा एक्शन दिख रहा है, एम्फेसिस और HDFC बैंक जाते जाते ये दो कॉल्स भी दी थी, वहां दोनों में आज आपको अच्छी मूव बनती हुई दिखी है। जी थैंक्स दीपांशु, एंड गुड मॉर्निंग टू यू। BDS 18,650 पे तो एक अच्छा मूव आया, इनफैक्ट दोनों ही टारगेट्स कल हासिल हुए, आज भी फॉलोअप बाइंग दिखने मिली। और बैंक निफ्टी का दीप जो कल मॉर्निंग में एक रिकमेंडेशन दिया था 43,200 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन, उसके भी फर्स्ट टारगेट हासिल हुए, सो वहां पे भी एक अच्छा मूव देखने मिला है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि एंड यस ऑफ कोर्स यू नो आईटी में मुझे ऐसा लग ही रहा था कि थोड़ा बहुत बाउंस बैक आईटी और कुछ चुनिंदा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स भी देखने मिलना चाहिए लाइक दैट ऑफ HDFC, सो वहां पे भी आया मूव। अब भी मुझे ऐसा लग रहा है कि निफ्टी का आप 19,000 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे, बट देन इट वुड बी ऑफ 8 December, ये 62 रुपए पर आपको ये मिलेगा अभी 62 पर, तो इसको खरीद कर जाना है दीपांशु, यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा 16 रुपए का, सो 62 पर खरीदे, 16 का स्टॉप लॉस लगाइए, एंड टारगेट्स ऊपर में जो दीप इसके निकल कर आ रहे
The first target is 109 and the second target is 132. So 109, 132, ये दो टारगेट्स के लिए आप खरीदे। 19,000 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 8 दिसंबर की एक्सपायरी का दी। मुझे ऐसा लग रहा है कि टुडे वी हैव सीन गुड अमाउंट ऑफ यू नो गैप अप एंड देयर कैन बी सम कंसोलिडेशन। हायर लेवल्स पर अगर मैं बात करूं तो 18,900 के आसपास के जो लेवल्स है आज के ट्रेडिंग सेशन में, दैट वुड बी इंपॉर्टेंट लेवल्स टू वॉच आउट फॉर। बट अगली एक्सपायरी में, नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में, मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस मूव कैन कंटिन्यू एंड निफ्टी कैन एक्सटेंड इट्स मूव अंटिल 19,000। अब वही एक इंपॉर्टेंट लेवल गोइंग फॉरवर्ड मुझे नजर आ रहा है एंड जहां पे हमें कॉल लेने के वेदर वी फर्दर सी अ मूव फ्रॉम देयर ऑन मे बी सम कंसोलिडेशन और करेक्शन। एज ऑफ नाउ नियर टर्म में अगर आप शॉर्ट टर्म में देखोगे इमीडिएट बेसिस पर तो मुझे आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए 18,800 और 750 की जो रेंज है वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट रेंज नजर आ रही है निफ्टी में 19,750 to 18,800। सुमित जी भी सुबह सेटअप में यही बात कर रहे थे, हमारे बाकी मेहमानों भी ने यही कहा, किरण जी भी यही बात कर रहे थे और जय को भी लग रहा है, इसलिए अगले हफ्ते की एक्सपायरी आज की नहीं, ये ध्यान रखिएगा, अगले हफ्ते 8 दिसंबर की एक्सपायरी का 19,000 का कॉल ऑप्शन आपको खरीदना है, ये राय बन रही है जय की तरफ से वेरी क्लियरली। चलिए उस पर रखिए नजर रखिए एचडीएफसी बैंक पर। आज ओपनिंग के बाद पहला बिगुल एचडीएफसी बैंक के लिए था, 16 लाख शेयर्स के कई सौदे इस काउंटर पर आपको होते हुए दिख रहे हैं, स्टॉक भी मोमेंटम है, कल जय ने भी जाते जाते यही कॉल आपको दिया था। आइए करते हैं शुरुआत 10 की कमाई की। प्रायोजक दिव्य स्वास्त्री प्रवाही तुलसी गिलोय वसा आदि से निर्मित रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ सिग्नेचर ग्लोबल मेकिंग इंडिया अफोर्डेबल वाग बकरी इंस्टेंट टी एंड इंस्टेंट कॉफी ICICIdirect.com इन्वेस्टमेंट्स एट योर फिंगर टिप्स और स्टॉकेज एम्पावरिंग रिटेल इन्वेस्टर्स अब अपना इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट खुद बनो। स्वागत है आपका 10 की कमाई में और बढ़िया मोमेंटम में बाजार 200 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी 85 पॉइंट ऊपर निफ्टी तीनों इंडेक्सेस ने बनाया नया हाई। उसके बाद थोड़ा आप हल्के भी होते हुए दिखे बट हल्की फुल्की गिरावट ऊपर से आई है, कुछ ऐसा बड़ी मूव आपको नहीं दिख रही है। बैंक्स मोमेंटम में है और आईटी का बढ़िया सपोर्ट मिल रहा है। आज ऑटो थोड़े कमजोर है क्योंकि अब तक बजाज ऑटो और एस्कॉर्ट्स के जो नंबर्स आए हैं वो थोड़ा अनुमान से कम रहे हैं तो ऑटोस का आज सहारा नहीं मिल रहा है, बट सामने आप देख रहे हैं कि आईटी की तरफ से दमदार तेजी बनी हुई है। अभी हम जैसे उनकी कॉल्स की बात कर रहे थे, जब परसिस्टेंट सिस्टम्स ये भी कल आपने रेकमेंड किया था ओपनिंग शो में, कल के रेकमेंड किया था और दोनों टारगेट जो कल के थे वो आ गए, इनफैक्ट उससे भी काफी ऊपर है, तो कल अगर किसी ने ये ट्रेड लिया है तो अब क्या करना है परसिस्टेंट सिस्टम्स में? बिल्कुल जी, यू नो परसिस्टेंट के भी डेफिनेटली दोनों ही टारगेट्स आ चुके हैं, इनफैक्ट बहुत ही बढ़िया एक डबल बॉटम पैटर्न फॉर्म हुआ था और एक जबरदस्त रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे नजर आ रहा था। दीप, मुझे ऐसा लग रहा है जिन्होंने प्रॉफिट बुक कर लिया तो यू नो डेफिनेटली बधाई, बट देन अगर किसी का पोजीशंस है तो आई थिंक 4400 ये इंट्राडे पर्सपेक्टिव एक लेवल है, यू नो यू कैन वॉच आउट फॉर दोज लेवल्स, ये हासिल हो सकते हैं 4400 के लेवल्स एंड इफ यू आर स्टिल होल्डिंग देन यू कैन हैव अ फर्दर ट्रेडिंग स्टॉप लॉस ऑफ 40 to 70 के स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड कीजिए, 4400 तक के लेवल्स आपको नजर आएंगे। दीप, अगर मैं इसके यू नो अग्रेसिव टारगेट्स देखता हूँ तो इसके टारगेट्स काफी ऊपर की तरफ आ रहे हैं, दैट कम्स टू अराउंड 4900, बट देन शॉर्ट टर्म में इंट्राडे पर्सपेक्टिव आते एक दो दिनों के लिहाज से 4400 के जो लेवल्स है वो नियर टर्म एक रेजिस्टेंस है, तो वहां पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं तो फर्दर ट्रेड कर सकते हैं, बट ओवरऑल अगर पोजिशनली किसी के पास कैश सेगमेंट में हो, डेरिवेटिव में ना हो और अगर थोड़ा रिस्क और दे सकते हैं, आई थिंक यू नो इट कैन इंच और इट कैन एक्सटेंड इट रैली टू 4900 एज वेल। और पालिया साहब के भी रिकमेंडेशन है और पालिया साहब के भी टारगेट आपको आते हुए दिख गए हैं परसिस्टेंट सिस्टम में, तो पालिया साहब आपको भी बधाई सर, जय आपको भी बधाई और सिदानी जी भी हमारे साथ है, सिद्धार्थ जी इन्होंने भी बात करी थी परसिस्टेंट सिस्टम्स की, 4400 के टारगेट सिद्धार्थ जी के हैं जिसकी तरफ ये काउंटर मूव करते हुए दिख रहा है, जबरदस्त अप मूव आ गई है, तो तीन एक्सपर्ट्स के रडार पर परसिस्टेंट और टारगेट की तरफ काउंटर भी बढ़िया मूव दिखा रहे हैं, तो अच्छा एक्शन यहां पर आपको दिख रहा है।
बट बढ़िया एक्शन हमें दिख रहा है आज करेंसी मार्केट में भी, वहां पर भी मूव आई है। कमोडिटीज का क्या हाल है आइए एक बार अपडेट ले लेते हैं नेहा के साथ, तो फिर जानते हैं 11:30 बजे कौन सा कमोडिटी स्पेशल हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। नेहा बताइए क्या चल रहा है कमोडिटी बाजार में? करेंसी में धमाकेदार मूव है, 81 के नीचे के दर्शन आज हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 0.5% की स्ट्रेंथ है। 3 हफ्ते बाद हमने एक दिन की इतनी बड़ी जबरदस्त स्ट्रेंथ देखी, ऑफकोर्स वहां से थोड़ा सा कूल ऑफ भी हुआ है लेकिन अच्छी खासी स्ट्रेंथ दिख रही है। डॉलर इंडेक्स के प्रेशर का सहारा, दो ढाई हफ्ते के हाईस के पास इस समय रुपया ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। दरअसल मेजर करेंसीज हैं उसमें अच्छी स्ट्रेंथ दिखी है, येन और यूरो ये 3.5 से 5 महीने के हाईस पर ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, तो इनका भी सपोर्ट रुपए को आज मिलता दिखाई दे रहा है। कमोडिटी मार्केट पर आते हैं, चांदी जबरदस्त ओपनिंग तो यहां पर हमने बनते देखी, 7 से 8 महीने के हाईस पर है। घरेलू वायदा पर नजर डालें, 1100 रुपए की स्ट्रेंथ है, 63,300 के पार है। सोने की अगर बात करें तो अब लग रहा है कि जैसे जो एक पिछला हाई इसका 56,000 के पास का था, क्या वो आज बीट होगा, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन फिलहाल हम देख रहे हैं 450 रुपए की स्ट्रेंथ वहां भी दिख रही है, 53,400 के काफी करीब, 53,000 के काफी करीब सोना इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। मेटल्स में जबरदस्त दमखम है, एलमी पर एल्यूमिनियम ऑलमोस्ट 3.5 महीने के हाइस पर है। घरेलू बाजार में बात करें जिंक में स्ट्रेंथ है, ये भी 2 से 3 हफ्ते के हाइस के पास ही ट्रेड कर रहा है और सारे मेटल्स है वो यहां पर चमकते हुए ही इंपैक्ट नजर आए हैं। नेचुरल गैस यहां प्रेशर दिखा है, इंटरेस्टिंगली यहां देखना होगा कि अब मूवमेंट कैसा बनता है क्योंकि यूरोपियन गैस में हमने बीते सत्र में 10 से 12% की स्ट्रेंथ आते हुए देखी और जो कच्चे तेल पर भी अगर फोकस करें अंतरराष्ट्रीय बाजार में इसकी तेजी पर थोड़ा ब्रेक लगा है तो प्रेशर वहां पर भी बनता दिख रहा है। तो एनर्जी सेगमेंट जो हमारे लिए भी एक एरिया ऑफ कंसर्न होता है वहां प्रेशर है लेकिन बाकी जितनी भी कमोडिटीज है वहां पर स्ट्रेंथ दिख रही है। आज की स्ट्रेटजीज कहां से आ रही है वो आपको बता देते हैं। केडिया कमोडिटीज, सोना फरवरी वायदा खरीद के चलने की सलाह, 53,100 के पास 53,450 तक का लेवल ऊपर देखने को मिल सकता है। चांदी में भी बाइंग की ही रिकमेंडेशन है, मार्च कॉन्ट्रैक्ट 64,200 के पास खरीद के चले, 65,200 के अपसाइड टारगेट के लिए कच्चा तेल बेच के चलने की सलाह है। यहां पर डाउनवर्ड टारगेट 6,450 के पास का बनता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब करंट लेवल से और 100 रुपए का करेक्शन। और कॉपर की बात करें खरीदारी यहां भी बनती है, अंतरराष्ट्रीय बाजार में है मजबूती, 692 तक का अपसाइड टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। और स्पाइस सेक्शन है वहां पर लगातार कुछ समय से एक्शन भरपूर दिख रहा है, 25,000 के पास जीरा दिसंबर वायदा खरीद के चले, अपसाइड टारगेट 25,500 का है। और आज जो 11:30 बजे का फोकस है नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग इट कि वो गोल्ड पर ही है क्योंकि सोने ने एक धमाकेदार मूवमेंट दिखाकर दिया है, लगातार अच्छी तेजी है। M6 प्रभाव 53,300 का आंकड़ा पार कर चुके हैं, क्या गोल्ड अपना जो पिछली तेजी का रिकॉर्ड है उसको आज तोड़ेगा या आने वाले समय में तोड़ेगा, क्या कीमतें 56,000 के ऊपर जाने में कामयाब होंगी, इसी पर है आज हमारी खास पेशकश, खास सेगमेंट 11:26 पर, रिकॉर्ड टूटेगा या गोल्ड टूटेगा। ओके, रिकॉर्ड टूटेगा या गोल्ड टूटेगा, रिकॉर्ड के लिए तो अभी थोड़ा टाइम, रिकॉर्ड के लिए टाइम है लेकिन अब वो एक फिर से माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि जिस तेजी से डॉलर इंडेक्स नीचे आ रहा है वही एक अड़चन थी। नॉर्मली जियोपॉलिटिकल टेंशन के टाइम तो सोना वैसे भी भागता है लेकिन इस बार ऐसा हुआ ही नहीं थैंक्स टू डॉलर इंडेक्स, अब अगर वो कूल ऑफ होता है तो सोने के लिए मौका बन रहा है। ओके, तो यह है आपके लिए गोल्ड, इस पर रखे नजर, दमदार तेजी बनती हुई दिख रही है और रिसेंट लोज में जिस जिसने खरीदारी करी उनके तो बहुत ही मजे हैं। गोल्ड पर रहेगा फोकस 11:30 बजे इसके करेंगे शुरुआत, पर आइए 10 बज चुके हैं और इस हफ्ते हमारे थीम रही है अर्निंग्स रिपोर्ट, पिछली तिमाही के नतीजे कैसे रहे हैं। एक दिन हर दिन हम एक एक सेक्टर चूज करते हैं और उस पर आपके लिए एनालिसिस लेकर आ रहे हैं और आज फोकस है सबसे बजिंग सेक्टर पर और वो है IT। कुशल है हमारे साथ तैयार, कुशल मॉर्निंग, आज तो आईटी सारे के सारे स्टॉक्स दमदार तेजी में आ रहे हैं बट जो पिछली तिमाही के नतीजे थे वो कैसे रहे, क्या थी परफॉर्मेंस मेट्रिक्स, बाजार को क्या पसंद और नापसंद आया यहाँ पर? बिल्कुल, तो काफी सारे ऐसे यहां पर स्टॉक्स थे जहां पर काफी बेहतरीन प्रदर्शन भी होता हुआ दिखा, कुछ एक इनलाइन एस्टिमेट्स भी आते हुए दिखे और कुछ एक ने अंडर परफॉर्मेंस भी दिखाई, तो मिक्स बैक परफॉर्मेंस में कहूंगा कि आईटी स्पेस की यहां पर दूसरी तिमाही में इस बारी होती हुई नजर आई। बट लार्जली जो कॉमेंट्री आती हुई दिखी थी वो काफी बजिंग रही थी और लगातार जो कंटेंशन लगा रहे थे एनालिस्ट की आगे चलकर मांग में धीमापन आएगा वैसा कुछ भी नहीं दिखा दूसरी तिमाही के जो मैनेजमेंट कॉमेंट्रीज आती हुई दिखी। बट डेफिनेटली यही है, इसी वजह से जो सपोर्ट
सपोर्ट है आईटी को मिलता हुआ नजर आ रहा है और आज भी आप देखिए ऑलमोस्ट 2% की तेजी यहां पर निफ्टी आईटी इंडेक्स लगाते हुए दिख रहे हैं। तो डेफिनेटली यहां पर बड़ी नजर रखनी है। तो और इसके साथ साथ जो आई ग्रोथ रही है उसमें टीयर टू कंपनीज यानी कि जो मिड कैप आईटी कंपनियां हैं उन्होंने बाजी मारी टीयर वन कंपनियों के मुकाबले। इनफैक्ट यहां पर तिमाही आधार पर जो डील विंस भी होती हुई दिखी वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर लगभग 6.5% तक की ग्रोथ भी आती हुई दिख रही थी। कुछ एक इश्यूज ये थे कि आगे चलकर क्लाइंट बजट्स हो सकता है नए साल में कट होते हुए नजर आए। अब यही देखना है कि ये एक्चुअली होता है या नहीं। आउटलुक तो यही लग रहा है कि यहां पर जो मोमेंटम है डिमांड का वो पॉजिटिव ही रहने वाला है। इसके साथ साथ एक और पॉजिटिव चीज भी प्ले आउट कर रही है आईटी सेक्टर के लिए जो कि है अट्रेशन दर। वो भी पीकआउट होता हुआ दिखा दूसरी तिमाही में। मेजोरिटी ऑफ दी आईटी कंपनीज की यही कॉमेंट्री थी कि यहां पर दूसरी तिमाही के बाद आपको सप्लाई साइड कंसर्न जो है वो साइड होते हुए नजर आएंगे। तो आगे का जो आउटलुक है और बेहतर यूटिलाइजेशन अगर होती है मांग अगर इंटैक्ट रहती है तो डेफिनेटली यहां पर कंपनी की मार्जिन में आगे चलकर बहुत ही बेहतरीन इजाफा देखने को मिल सकता है। तो डेफिनेटली इस पर नजर रखनी है कि जो आईटी कंपनियां हैं उनकी मार्जिन में टर्न अराउंड अब हमें कब आता हुआ नजर आता है। इनफैक्ट कुछ एक स्पेस स्टॉक्स ऐसे हैं जिन्होंने Q2 में आउट परफॉर्मेंस दिखाई थी जिसमें फ्रंटलाइन आईटी काउंटर्स में इंफोसिस और HCL टेक दोनों के ही दमदार नतीजे रहे थे। गाइडेंस भी अच्छी थी एंड मोर इंपॉर्टेंटली जितना एस्टिमेट्स था उसको भी ये बीट करते हुए दिखे थे। इनफैक्ट मिड कैप आईटी काउंटर्स में Mindtree, Persistent Systems, LTTS और L&T Infotech यहां पर काफी शानदार नंबर्स रहे थे। कुछ एक स्टॉक्स जो मैं बता रहा था कि गिरावट दिखा रहे थे और गाइडेंस भी नेगेटिव सरप्राइज करती हुई दिखी थी वो था विप्रो का काउंटर और साथ ही OFSS यानी कि Oracle फाइनेंशियल सर्विसेज एंड सॉफ्टवेयर और इनलाइन नंबर्स थे TCS। कुछ एक पैरामीटर्स पर काफी अच्छा प्रदर्शन किया जैसे कि ऑपरेशनल परफॉर्मेंस पर दूसरी तरफ आय के लिहाज से थोड़ा सा धीमापन हमें दूसरी तिमाही में नजर आया। बट टेक महिंद्रा कोफोर्ज बिरला सॉफ्ट एम्फेसिस ये सभी स्टॉक्स ऐसे थे जो कि इनलाइन नंबर्स आते हुए दिखे थे। तो थम्स डाउन केवल दो थे इनलाइन और अबव एस्टिमेट्स बाकी सारी आईटी कंपनियां थी यानी कि क्लियर कट यहां पर रुझान आईटी सेक्टर का दूसरी तिमाही में पॉजिटिव साइड पर ही बनता हुआ नजर आया। ओके तो ये था आपके लिए आईटी का पूरा परफॉर्मेंस कार्ड। आगे क्या आउटलुक बनाना है किस तरह की परफॉर्मेंस पर आपको रखनी है नजर कौन से स्टॉक्स आउट परफॉर्म या अंडर परफॉर्म कर सकते हैं आइए जानते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के ओमकार टंगसले साहब। ओमकार जी बहुत बहुत शुक्रिया आज जी बिजनेस को अपना वक्त देने के लिए। आपके लिहाज से कैसी रही है परफॉर्मेंस क्योंकि इस बार कंसर्न अट्रिशन को तो लेकर खैर बना ही हुआ था थोड़ा टॉपलाइन को लेकर भी थोड़े कंसर्न्स आए थे अब तो यूएस लोडाउन की भी बात हो रही है खैर वो आउटलुक में बात करेंगे बट आपके क्या एनालिसिस रही है। जी मेरा एनालिसिस ये है कि जो भी डिमांड साइड है जो जैसे कि सर ने भी बताया जो डिमांड साइड है वो फिलहाल बहुत रेजिलिएंट दिखाई दिया इन Q2 एंड ऑल्सो इन Q1 ऑफ FY23 बिकॉज देयर वाज एन अनसर्टेनिटी गोइंग अराउंड फ्रॉम द नॉर्थ अमेरिका रीजन एंड ऑल्सो फ्रॉम द यूरोपियन साइड। हालांकि कंपनी ने बेहतरीन परफॉर्मेंस किए है नॉर्थ अमेरिका रीजन और यूरोपियन रीजन में जो कि एक ब्रॉड बेस्ड ग्रोथ परफॉर्म किया था Q2 के अंदर। सो और सरप्राइजिंगली यूरोपियन फॉर इंफोसिस रहे या फिर HCL टेक रहे यूरोपियन रीजन से ज्यादा आउट परफॉर्मेंस किया था। सो एक काफी रेजिलियंस दिखाई दे रहा था डील विंस बहुत अच्छे आए थे तो एक रेजिलियंस दिखाई दे रहा था डिमांड सिनेरियो की साइड पे। तो डिमांड तो रेजिलिएंट रही है पर क्या ये डिमांड आगे भी रेजिलिएंट रहेगी क्योंकि अब बात चल रही है यूएस यूरोप दोनों की स्लोडाउन की बात चल रही है बीएफएस सेक्टर से भी थोड़ा आपको कंसर्न आ सकते हैं। आउटलुक क्या बनता है आने वाले 6-12 महीनों के लिए। डेफिनेटली आई मीन जब भी बिजनेसेस हैव बिकम सिस्टम ड्रिवन आप देखे जाए तो सबसे जो भी बड़े बड़े बिजनेस है बैंक्स है मैन्युफैक्चरिंग है टेक्नोलॉजी के हाईटेक है रिटेल है दैट ऑल बिजनेसेस हैज बिकम सिस्टम ड्रिवन। सो डिपेंडेंसी ऑफ दिस बिजनेसेस हैज बिकम हाई फॉर दिस आईटी सर्विसेज। प्रीवियसली क्या होता था कि एक कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन के लिए आईटी ऑटोमेशन किया जाता था लेकिन अभी उसका सेल्स से लेकर ऑपरेशन एवरीथिंग हैज बिकम सिस्टम ड्रिवन। तो मेरे हिसाब से अगर आप देखा जाए तो ये सर्विसेज सेक्टर्स है जो कि इंडियन आईटी सर्विसेज आता है TCS इंफोसिस और सब सर्विसेज में तो ये जो सर्विसेज सेक्टर्स है विल लाइकली टू बी रिमेन रेजिलिएंट। हाँ थोड़ा बहुत इंपैक्ट हो सकता है 1-2% पे लेकिन वो डिले होगा जो नया ऑटोमेशन आएगा लेकिन जो एग्जिस्टिंग डील्स है उनके पास वो तो वो क्लाउड या फिर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है तो वो करेंगे ही
ये बिजनेस। सो डिमांड साइड पे मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं लग रहा है कि आने वाले समय पे आते टाइम। हाँ, अगर कॉस्ट प्रेशर की देखा जाए तो एम्प्लॉय कॉस्ट बहुत ज्यादा हुए बिकॉज ऑफ द डिमांड सिनेरियो एंड एट्रिशन लेवल आल्सो विल लाइकली टू इम्प्रूव, आई कैन से इम्प्रूव इन द सेंस वो कम होते दिखाई दे रहे हैं बिकॉज ऑफ द फ्लैटनिंग ऑफ द एम्प्लॉय पिरामिड एंड फ्लैटनिंग ऑफ द डिमांड। कोविड के टाइम पे बहुत ज्यादा डिमांड थी तो डिमांड फुलफिल करने के लिए देर वॉज एन स्ट्रॉन्ग डिमांड। हालांकि अभी एक एक फ्लैटनिंग होते जा रहा है डिमांड कर्व के साइड पे, तो मुझे लग रहा है कि वो एट्रिशन लेवल और एम्प्लॉय कॉस्ट थोड़ा मॉडरेशन लेवल पे आ सकते हैं अगले दो क्वार्टर्स में। एंड दीज सर्विसेस विल गेट एन मार्जिन बेटर मार्जिन इन द गोइंग इन नेक्स्ट वन टू टू क्वार्टर्स। चलिए, तो मार्जिन इंप्रूवमेंट की बात आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं आईटी कंपनीज की तरफ से। गाइडेंस रिवीजन आ सकती है थोड़ा लोअर साइड पर, स्पेशली अगर आगे यूएस यूरोप के कंसर्न्स रहे, या फिर गाइडेंस मेंटेन कर पाएंगी कंपनीज? मुझे लगता है ये क्वार्टर्स में जो कि सीजनली वीक क्वार्टर कहा जाता है इसको, ये Q3 में बिकॉज ऑफ द फर्लोज रहते हैं उधर, क्रिसमस के लिए वेकेशन रहते हैं, सो ये क्वार्टर एक सीजनली वीक क्वार्टर रहता है आईटी सेक्टर के लिए, तो ये क्वार्टर में कुछ रिविजन होना पॉसिबल नहीं है। लेकिन आफ्टर Q4 एंड Q1 FY24 में रिविजन आ सकता है एंड वी कैन सी अ बाउंस बैक इन दी डिमांड सिनेरियो। हालांकि दिस क्वार्टर में वी कैन एक्सपेक्ट अराउंड फ्लैटनिंग ऑफ द ग्रोथ, मतलब एक और एक ग्रोथ मोमेंटम मेंटेन किया जा सकता है। ओके, तो ग्रोथ मोमेंटम मेंटेन किया जा सकता है और उतनी ज्यादा डिमांड सिनेरियो भी ठीक रहना चाहिए, उतनी परेशानी नहीं आनी चाहिए। आपके पसंदीदा स्टॉक्स कौन से इस समय, कहां पर आप बेटर परफॉर्मेंस देखते हैं आकर? जी, मुझे लार्ज कैप में इंफोसिस बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि TCS ने वो 3 years इन अ रो बीट किया है, दे हैव कैपेबिलिटीज इन डिजिटल थ्रू कोबोल्ट, दे हैव एनहांस्ड इट्स प्रेजेंस, उन्होंने प्रेजेंस एक्सपांस किया है, कंपैरेटिवली चीपर है और आगे जाके एक्सपांड हो सकते हैं एंड ये साल में TCS को बीट सकता है, वैल्यूएशन कंफर्ट मिल जाता है TCS के अगेंस्ट। सो मेरे हिसाब से लार्ज कैप में इंफोसिस इज माय बेस्ट पिक। इफ यू कैन कंपेयर इन एन मिड कैप, परसिस्टेंट इज माय टॉप पिक फ्रॉम द मिड कैप सेगमेंट बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ सीनर्जीज दैट दे हैव इंक्लूड। उन्होंने एक दो एक्विजिशंस किया था टकिन एक्विजिशंस कैपेबिलिटी बेस्ड, जिसको मीडिया एजिलिटी और ग्लोब डेटा ग्लोब के नाम से जो एनहांस करते हैं उनके कैपेबिलिटी विद द गूगल क्लाउड एंड ऑल्सो इन AWS, सो दे हैव स्टार्टेड प्रोवाइडिंग द सर्विसेज, सो दे हैव ऑल्सो एक्सपांडेड एंड सरपासेस द ग्रोथ टू ऑल इट्स पीयर्स, और आगे जाके भी ये बहुत अच्छा काम करेगा क्योंकि होराइजन बहुत बड़े हैं, कैपेबिलिटीज एनहांस किया है, स्ट्रॉन्ग हायरिंग गाइडेंस दिया है कंपनी ने। तो ये है आपके लिए कुछ बेहतरीन पिक्स आईटी स्पेस से, कुछ लार्ज कैप काउंटर्स भी जो आपको अच्छे मूव दिखा सकते हैं और साथ ही आपको तो पसंद आ ही रहा है आईटी स्पेस एज अ होल, परफॉर्मेंस ठीक रहेगी, उतनी परेशानी की बात नहीं है, मार्जिन इनफैक्ट इंप्रूव होने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ शो पर जुड़ने के लिए ओंकार जी, और आईटी पर अपनी राय देने के लिए। आज का आउट परफॉर्मिंग सेक्टर भी है आईटी, सारे के सारे आईटी स्टॉक्स आपको जबरदस्त तेजी में दिख रहे हैं। इनफैक्ट वायदा कारोबार के टॉप 3 गेनर्स परसिस्टेंट, L&T टेक, बिरला सॉफ्ट आपको दिखेंगे, और निफ्टी के भी टॉप गेनर्स TCS, टेक महिंद्रा, HCL टेक, इन्फी, विप्रो आपको दिखेंगे। तो लीडरशिप क्लियर एंड सेंटर आईटी की तरफ से आ रही है। अब वक्त है SBL मिड कैप शुरू करने का, सिद्धार्थ जी तो काफी समय से इंतजार कर ही रहे, सिमी जी भी उनके साथ जुड़ चुकी हैं। आइए करते हैं शुरुआत SBL मिड कैप्स की। एक बार फिर से स्वागत है आपका सिद्धार्थ जी, एंड सिमी जी आपका भी स्वागत है शो में, गुड मॉर्निंग। आपसे करते हैं शुरुआत, सिमी जी बताएं आपकी लॉन्ग टर्म पिक आज की। वेरी गुड मॉर्निंग दीपांशु, वेरी गुड मॉर्निंग सीड। मेरी तरफ से आज का लॉन्ग टर्म पीक होगा क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन। दीपांशु, स्टॉक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस शो कर सकता है, एकदम लोअर लेवल्स पर है और यहाँ से बहुत ज्यादा डाउनसाइड का गुंजाइश नहीं है, थोड़ा सा वॉल्यूम इसका छोटा है, तो पोजिशनली इसको खरीदना है और लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखना है। 6 से 8 महीने का नजरिया से स्टॉक को मैंने सजेस्ट किया है और मुझे लगता है कि आज थोड़ा सा चल रहा है,
3080-3065 के आसपास थोड़ा सा खरीदना है, और नीचे मिलता है तो जब तक ये 3029-80 के आसपास है तब तक ये सेफ है, तो मुझे वहां पे भी खरीदने का सलाह देना है। मतलब दो लेवल पर ही खरीदिए, 2850 का एक ओवरऑल पोजिशनल स्टॉप लॉस लगाइए। पहला टारगेट इनिशियली जो होगा वो होगा 3450 से 3550, जब ये क्रॉस करेगा तो मुझे लगता है कि 3900 से 4200 तक भी जा सकता है। 6 से 8 महीने का नजरिया से मैं दे रही हूँ क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन, मुझे लगता है कि ये स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है और करंट लेवल से बहुत ज्यादा डाउनसाइड भी नहीं दिख रहा है, तो ऐसे वन वे रैली दिखा रहा है स्टॉक, तो मुझे लगता है कि करंट लेवल पर थोड़ा सा खरीदना चाहिए और लोअर लेवल्स पर ऐड करना चाहिए। आज भी अच्छे मोमेंटम में ही है क्राफ्ट्समैन ऑटो, खरीदारी करके चलिए। सिमी जी की राय है इसके लिए 3450-3550, फिर लंबे टारगेट्स आपके 3900 तक भी आ सकते हैं। सिद्धार्थ जी बताएं सर, आपकी आज की लॉन्ग टर्म पिक। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग दीप और गुड मॉर्निंग सिमी जी। सबसे बड़ी चीज की क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन जो सिमी जी ने अभी दिया है, ये मेरा भी वन टाइम ऑल टाइम फेवरेट है ऑटो एंसिलरी पैक में, मैंने कई बार रेकमेंड किया, तो पूरा समर्थन रहेगा सिमी जी का इस पे। और लॉन्ग टर्म जो स्टॉक है वो है सीमेंट स्पेस से सागर सीमेंट। सागर सीमेंट पे खरीदारी की राय है, टारगेट आपको रखना है 283 का। साउथ बेस्ड सीमेंट कंपनी है, 8.25 मिलियन टन की कैपेसिटी वाली कंपनी, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में 60% का सेल्स आता है। दूसरे तिमाही में रेवेन्यू ग्रोथ करीबन 30% से ग्रो हुआ है और सेल्स ग्रोथ करीबन 21% से ग्रो हुआ है। सेंट्रल इंडिया और ईस्ट इंडिया में बहुत फोकस करना चाहती है सागर सीमेंट, एक्सपेंशन कर रही है और टारगेट जो एक्सपेंशन का वो रख रही है वो है 10 मिलियन टन का आने वाले 2 सालों में। सो 8 मिलियन टन से 10 मिलियन टन की कैपेसिटी हो जाएगी। रेवेन्यू ग्रोथ 26% सीएजीआर से ग्रो हो सकती है आने वाले 2 सालों के लिए। सागर सीमेंट टारगेट होगा 283। ओके, तो सागर सीमेंट पर खरीदारी करें। सीमेंट लगातार रेडार पर है ही, कल भी हमने देखा बेहतरीन सीमेंट सेक्टर से जुड़ी कॉल्स आई थी एक्सपर्ट्स की तरफ से, आज भी सीमेंट पर रखिए नजर और सागर सीमेंट ये है सिद्धार्थ जी की पसंद। आइए एक 10 की कमाई भी ली जाए पालविया साहब की तरफ से। सर बताएं आपकी 10 की कमाई का स्टॉक। तो बिल्कुल दीपांशु जी, सीमेंट स्टॉक ही रडार पे है 10 की कमाई में, जैसा कि सिद्धार्थ जी भी बता रहे थे और आप भी जिक्र कर रहे हैं, तो सीमेंट सेक्टर में ही एक अच्छा अट्रैक्शन देखने को मिला और उसमें हमें लगता है अंबुजा सीमेंट पे यहाँ पे फोकस करना चाहिए। अंबुजा सीमेंट में देखें तो ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है और पिछले कुछ दिनों में एक माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली थी, अब स्टॉक में वापस पिछले 3-4 दिनों से देखें तो एक अच्छा बेस बना के स्टॉक में रिवर्सल यहां पे बनते हुए दिख रहा है। हमें लगता है अंबुजा सीमेंट एक अच्छा मोमेंटम कंटिन्यू करेगा शॉर्ट टर्म के हिसाब से भी। यहां पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इसमें टारगेट आना चाहिए 630 रुपए से 640 रुपए तक की अपसाइड यहाँ पे पोजिशनल बेसिस पे आते हुए दिख सकती है, तो अंबुजा सीमेंट बाय करेंगे, स्टॉप लॉस रखेंगे हम करीब 555 रुपए के आसपास। 555 के स्टॉप लॉस के साथ अंबुजा सीमेंट इस पर है आपको खरीदारी। एक स्पेशल पिक किरण जी देना चाह रहे हैं, आइए एक बिगुल स्पेशल पिक का किरण जी के लिए। किरण जी बताएं सर। दी बिल्कुल एक स्पेशल पिक है और दो सेक्टर्स है आज जो चल रहे हैं, वो है एक मेटल्स और दूसरा आईटी। तो मैं मेटल्स पैक में एक स्टॉक लेके आया हूँ, बाय करना है एनएमडीसी में। ऑप्शन स्ट्रेटजी के बारे में बात करूंगा। एनएमडीसी का 120 का कॉल ऑप्शन जो कि अभी 5 रुपए 10 पैसे 20 पैसे पे मिल रहा है, यही पे खरीदना है। आपका स्टॉप लॉस 1 रुपए नीचे रहेगा 4 रुपए 30 पैसे का। और टारगेट्स के लिए मैं मानता हूं 9 रुपए और 13 रुपए, ये दो बड़े टारगेट्स रखने चाहिए। इसके लिए 5 से 10 दिन देने पड़ेंगे पेशेंटली इस स्टॉक को लेके होल्ड करना चाहिए। इसके 2-3 कारण है। पहला तो एक ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट जो कि बहुत शानदार है, वॉल्यूम्स बहुत सुंदर देखने को मिल रहा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स के साथ ये स्टॉक चल रहा है। और तीसरी और अहम बात ऑप्शन चेन डेटा, 120 के कॉल ऑप्शन में पहले 45 लाख शेयर्स थे, अभी 42 हो गए, काफी अच्छे अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है और उसके साथ साथ फ्रेश एडिशन देखने को मिल रहे हैं। उसके साथ अगर हम थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी देखते हैं तो 125-130 के कॉल ऑप्शन में भी ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, तो मेरा मानना है कि ये टारगेट सबको हासिल होते नजर आ जाएंगे, तो एनएमडीसी बाय करने की सलाह है। एनएमडीसी खरीदारी करें, 120 का कॉल स्पेशल पिक है किरण जी की तरफ से, 5 रुपए के आसपास आपको मिलेगा, 9 और 13 के होंगे टारगेट, 4.3 का आप लगाइए स्टॉप लॉस इस पर, अच्छी मूव आ सकती है। एक बिगुल जय ठक्कर के लिए भी जय का जैकपॉट।
बताया जाए। जी दीप, खरीदना है दालमिया भारत, इसका फ्यूचर्स आप खरीदे, ये चल रहा है 1895 के आसपास दीपांशु, एंड इसमें बहुत ही एक बढ़िया कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट देखने मिल रहा है दालमिया भारत में 1895 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है दीप। इसके जो टारगेट्स है, फर्स्ट टारगेट वुड बी 1970, और दूसरे टारगेट जो है वो 2020। सो 1970 2020, ये दो टारगेट्स के लिए खरीदे दालमिया भारत फ्यूचर्स दीपांशु। इसमें जबरदस्त एक ब्रेकआउट आज के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिल रहा है, एंड मेरा ये मानना है कि अब ऑन द लोअर साइड 1835 विल एक्ट एज अ वेरी क्रूशियल सपोर्ट, विद दैट एज अ स्टॉप लॉस आपको दालमिया भारत फ्यूचर्स खरीदना चाहिए यहाँ से। कप एंड हैंडल पैटर्न के साथ ही साथ मैं कहूंगा कि अब ये स्टॉक ने गोल्डन क्रॉस ओवर भी दिया है, एंड नो इट्स गुड दैट काफी स्टॉक्स अब जिसमें डेथ क्रॉस ओवर देखने के बाद एक फॉल देखने मिला दी, स्लोली एंड ग्रेजुअली ऑल आर providing this kind of crossovers which clearly indicates ke long term trend shift ho raha hai, and breakout ke sath to aaya hai ye, price action to aaya hai ye with volumes, but then indicators bhi agar aap dekhe to is well placed above the zero reference line, so isliye futures mein aap kharid ke sath chal sakte hai dalmia bharat। To ye hai aapke liye dalmia bharat 1970 aur 2020 ke target ke liye, yahan par karni hai aapko khareedari। Okay, इस पर भी रखने नजर, आई थिंक वसीन साहब भी कई बार इस काउंटर को रेकमेंड कर चुके हैं। आइए लेते हैं पोजीशनल पिक सिमी जी और सिद्धार्थ जी की तरफ से। सिमी जी बताएं आपकी पोजीशनल पिक। आपकी पोजीशनल पिक दीपांशु, मैंने टीटा का वैगन चूज किया है, TWL जिसका इनसे टिकर है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक बहुत ही अच्छा मोमेंटम शो करेगा यहाँ से, और पूरा सेक्टर बजिंग है, और मुझे लगता है कि नेक्स्ट 2 से 3 महीने के लिए ये स्टॉक उठाकर थोड़ा सा पोर्टफोलियो में शामिल करके रखना चाहिए। यहाँ पे खरीदिए छोटा सा क्वांटिटी, और नीचे आता है मिलता है 175-70 के आसपास, तो वहाँ पे एड ऑन कर लीजिएगा। 165 का ओवरऑल स्टॉप लॉस रहेगा, 210 से 220 का इनिशियल टारगेट होगा, जो कि मुझे लगता है कि नेक्स्ट 5 से 7 दिन में जाना चाहिए। 220 क्रॉस करेगा तो इसका नेक्स्ट जो टारगेट आता है वो 240 से 250 का आता है। दीपांशु यहाँ पे सिर्फ ये कहना है कि इसका जो पीयर्स है सारे रिसेंटली बहुत चला है। टीटागढ़ वैगन में जो मोमेंटम था वो पहले से आया था, और अभी ये चल रहा है, पर उसमें दूसरे जैसा मोमेंटम नहीं है, पर ये मोमेंटम अभी शो करने वाला है। मुझे लगता है कि यहाँ से खरीद कर चलिए, और नेक्स्ट 5 से 7 ट्रेडिंग सेशन के लिए आंखें बंद करके शायद 200 से 210-220 तक का टारगेट ये डिलीवर कर सकता है। और मैंने जो थोड़ा सा पोजिशन बेट लगाया वो 2 से 3 महीने के नजरिया से, उसका मेरा टारगेट है ओवरऑल 250 का। तो करंट लेवल पर रिस्क टू रिवर्ड रेशियो बहुत अच्छा होता है। 165 का स्टॉप लॉस, 250 का ओवरऑल टारगेट, 2 से 3 महीने का नजरिया। बढ़िया मोमेंटम में भी रहा है ये काउंटर। आज सुबह खबर भी थी, रेलवेज का बड़ा ऑर्डर है, वंदे भारत ट्रेन के लिए 200 यूनिट्स का बड़ा ऑर्डर है 26,000 करोड़ का, जिसके लिए ये भी रेस में शामिल है। टीटागढ़ वैगन अच्छी मूव आ रही है रेलवे स्टॉक्स में, यहां पर रखनी है आपको नजर। पर नजर है पूरे के पूरे बाजार के एक्शन पे भी, तीनों इंडस्ट्रीज ने आज मिलकर लाइफ हाई बनाया है लंबे समय बाद। आगे का आउटलुक क्या बनता है, यहां से क्या करना है आपको, पोर्टफोलियो में कुछ बदलाव करने की जरूरत है या फिर बने रहें, आइए इस पर मार्केट आउटलुक में आज हमारे खास मेहमान जुड़ रहे हैं, कोटक महिंद्रा AMC के CIO इक्विटी हर्ष उपाध्याय साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया आज जी बिजनेस के साथ जुड़ने के लिए। गुड मॉर्निंग। नया हाई का दिन है, इनफैक्ट निफ्टी पर तो लगातार 4 दिनों से नया हाई बन रहा है, तो पहला सवाल तो इसी को लेकर बनेगा, ये जो रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस रही है भारतीय बाजार की, स्पेशली डोमेस्टिक फ्लोज जो इतने अच्छे रहे हैं, क्या वजह आपको दिख रही है इसके लिए, जो इतना ज्यादा भरोसा हमारे खुद के इन्वेस्टर्स का तो बना हुआ है, और अब FIIs भी वापस पैसा डाल रहे हैं। सर गुड मॉर्निंग। देखिए एक बात तो बिल्कुल साफ है कि भारत का जो GDP ग्रोथ रेट है या अर्निंग्स ग्रोथ रेट है वो काफी सारे जो ग्लोबल मार्केट्स के कंपैरिजन में काफी अच्छा निकल के आ रहा है, और आगे जाके भी हमारा जो रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस रहेगा इकोनॉमिक ग्रोथ पे वो तो कंटिन्यू रहे, तो वो एक सबसे बड़ा रीजन है जो लोगों को बुलिशनेस के दूर लेके जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि इंडियन मार्केट्स को अगर आप देखेंगे या इंडियन बिजनेसेस या इकोनॉमी को अगर आप देखेंगे तो एक सबसे बड़ा चिंता का विषय था इन्फ्लेशन को लेके काफी लोग नर्वस भी थे कि कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ पे जाएगा, अगर क्रूड प्राइसेस ऐसे ही ऊपर जाएंगे तो
भारत के फिस्कल सिचुएशन पे क्या असर पड़ेगा, सब कंसर्न्स थे। लेकिन आज के दिन में अगर देखेंगे तो इन्फ्लेशन का कोई एक भी इशू दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि इन्फ्लेशन नीचे आते दिख रहा है और उसी के कारण कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी भी शायद थोड़ा बहुत दिसंबर क्वार्टर में भी सुधर जाएगा और मार्च में तो जरूर सुधरना चाहिए। तो ये सब फैक्टर्स को लेते हुए लगता है कि जो बुलिश का माहौल है वो कंटिन्यू होना चाहिए। आगे का क्या आउटलुक बनता है सर, अगर आप आने वाले एक साल का व्यू बनाकर चले तो ये जो आउट परफॉर्मेंस है ये बरकरार रहेगी, और आपके कोई इंटरनल टारगेट्स या फिर इंटरनल व्यू बन रहा है बाजार की डायरेक्शन और लेवल्स को लेकर? देखिए, अगर आप फाइनेंशियल ईयर 24 का अर्निंग्स ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस को देखते हैं वो करीब करीब 15-16% का एक्सपेक्टेशन है आज के दिन में, जिसमें शायद कोई प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूवमेंट का एक्सपेक्टेशन नहीं जुड़ा हुआ है। यानी कि अगर यहाँ से कमोडिटीज और करेक्ट होते हैं और प्राइजेस सेलिंग प्राइजेस अगर डिमांड के स्ट्रेंथ की वजह से नीचे नहीं आते तो शायद प्रॉफिटेबिलिटी और इम्प्रूव हो सकता है, लेकिन अगर वो नहीं लेते हैं तो भी 15-16% का अर्निंग्स एक्सपेक्टेशन। अगर आप सोचते हैं कि यहाँ से वैल्यूएशन का कोई चेंज नहीं होगा तो जनरली मार्केट अर्निंग्स ग्रोथ को फॉलो करता है, उतना एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं अगर वैल्यूएशन में कोई चेंजेस नहीं हो। तो आपका क्या व्यू है सर, हमारे बाजार इन लेवल्स पर एक्सपेंसिव है या फेयर वैल्यूड है, क्योंकि लोग कहते हैं एवरेज 17-18 पी की रहती है, फिलहाल आप 23 पी के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, हमारे बाजार क्या वैल्यूएशन के लिहाज से उतने एक्सपेंसिव है इस समय? देखिए, भारतीय बाजार काफी सालों से अगर ग्लोबल मार्केट्स को कंपेयर करते हैं तो काफी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे ही चल रहा है। जरूर ये एक्सपेंसिव मार्केट बोल सकते हैं, फेयर वैल्यू से थोड़ा अधिक लेवल पे वैल्यूएशन है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एक पीक वैल्यूएशन जो बोल सकते हैं वहां पे पहुंच गया है और यहाँ से सिर्फ मंदी ही दिख रहा है, ऐसा भी नहीं। यहाँ से शायद रीरेटिंग इतना ज्यादा नहीं हो सकता है, लेकिन जो वैल्यूएशन है वो सस्टेन हो सकता है। देखिए, अगर आप रिस्क देखते हैं तो वो है ग्लोबल मार्केट्स के कंपैरिजन में हमारा वैल्यूएशन जो प्रीमियम हुआ करता था वो 40-50% हुआ करता था पहले कुछ साल, लेकिन अभी आप देखते हैं कोविड के बाद ये जो वैल्यूएशन प्रीमियम है ग्लोबल मार्केट्स के कंपैरिजन में वो काफी बढ़ चुका है और 80-100% वैल्यूएशन प्रीमियम पे चला गया। तो ये एक चिंता का विषय बन सकता है अगर मार्केट का माहौल बदलता है, लेकिन आज के दिन में ये जो वैल्यूएशन प्रीमियम है वो शायद रीजनेबल भी बोल सकते हैं, क्योंकि बाकी जो मार्केट्स हैं जो अपने कॉम्पिटिटर मार्केट्स हैं चाइना ताइवान वहां पे जो ग्रोथ है वो ज्यादातर ग्लोबल ग्रोथ पे डिपेंडेंट है क्योंकि उनके इकोनॉमीज एक्सपोर्ट्स पे ज्यादा डिपेंडेंट है, लेकिन हमारा जो है हमारा डोमेस्टिक ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है और हमारा एक्सपोर्ट डिपेंडेंस कंपैरेटिवली कम, तो उस हिसाब से हमारे ग्रोथ रेट्स पे इतने कंसर्न्स नहीं। ये भी एक हो सकता है रीजन हो सकता है जिसके वजह से मार्केट का वैल्यूएशन प्रीमियम बढ़ चुका है, लेकिन जरूर वो ध्यान में रखना चाहिए कि यहाँ से बहुत ज्यादा रीरेटिंग का संभावना नहीं है, लेकिन अगर अर्निंग्स ग्रोथ जो सोच रहे हैं वो आ जाता है तो फिर अच्छे से रिटर्न मिल सकता है। ओके, तो थोड़ा एक्सपेंसिव जरूर है बट अर्निंग्स कैचअप अगर हो जाए तो फिर वहां पर आपको परेशानी नहीं दिखेगी। पोर्टफोलियो में कुछ चेंजेस करने की जरूरत है सर या इस समय जो जैसा चल रहा है वैसे ही रहने दें? देखिए, अगर आप हमारे पोर्टफोलियोज देखेंगे तो बहुत सारे जो ओवरवेट पोजिशन है वो सब डोमेस्टिक बिजनेस जो सेक्टर्स हैं उसी पे हैं, जैसे कि बैंकिंग हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, केमिकल और काफी सारे दूसरे जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल्स है, कैपिटल गुड्स है, ये सभी क्षेत्रों में हमारा ओवरवेट नजरिया है। जैसे आप आईटी, फार्मा या एफएमसीजी देखते हैं, ये तीनों में हमारा अंडरवेट पोजीशन, या तो हमें लगता है कि एक्सपोर्ट्स का जो है वो इतना जल्दी सुधरेगा, या तो वैल्यूएशन महंगे हैं जैसे कि एफएमसीजी सेक्टर में, लेकिन बाकी सारे जो मैंने पहले बताया वो ओवरवेट सेक्टर्स में हमें लगता है कि अर्निंग्स ग्रोथ भी एक स्टेडीनेस दिखाई देगा और उसके साथ साथ रेटिंग का भी पॉसिबिलिटीज है, तो डोमेस्टिक बिजनेसेस पे फोकस करना बेटर लगता है आज के। अभी भी दूर है ना आईटी मेटल्स, कोई व्यू इन पर सर?
जरूर ये कुछ स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में हैं, लेकिन अगर आप डोमेस्टिक बिजनेस के कंपैरिजन में देखते हैं तो शायद बैंकिंग या इंडस्ट्रियल्स या ऑटोमोबाइल्स, वहां पे शायद ज्यादा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। इसलिए हमारा ओवरवेट वो तीनों सेक्टर्स पे है। आईटी और मेटल्स में कुछ स्टॉक स्पेसिफिक पोजिशन जरूर है, लेकिन ओवरवेट नहीं। रिसेंट ये जो रैली आई है, स्पेशली जून से जो बाजार ने पिकअप लिया सर, इसमें लोगों की एक कंप्लेंट है कि पोर्टफोलियोज में उतना इंप्रूवमेंट नहीं दिखा है, क्योंकि लार्जली फ्रंटलाइन स्टॉक्स में ही आपने ज्यादा एक्शन देखा है। टॉप 100, टॉप 150 स्टॉक्स में थोड़ा ज्यादा एक्शन बनाए, ब्रॉडर मार्केट में वैसा एक्शन अब तक नहीं दिखा है। तो क्या वो थोड़ा चर्न आ सकता है स्मॉल और मिड कैप स्पेस में, या अभी भी ये लार्ज कैप्स ही ज्यादा फोकस में रहेंगे? शॉर्ट टर्म में तो हमें लगता है कि लार्ज कैप्स में शायद ज्यादा कंफर्ट रहेगा। एक तो वैल्यूएशन इतने महंगे नहीं है जितने मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स में, और दूसरी बात यह है कि जब तक कंप्लीट पिक्चर में ना मिल जाएगा इन्फ्लेशन को लेते हुए या प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूवमेंट को लेते हुए, तो वहां तक शायद मिड एंड स्मॉल कैप का परफॉर्मेंस आपको दिखाई नहीं देगा। और ये भी आपको याद रखना है कि 2020 और 2021 में मिड कैप और स्मॉल कैप्स बहुत ही लार्ज मार्जिन से आउट परफॉर्म किए थे लार्ज कैप्स को, तो उस हिसाब का जो आउट परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलता है उसके बाद जरूर थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन होता है या डिक्लाइन देखने को मिलता है। वही दिखाई दिया है पिछले 12 महीने में मिड कैप और स्मॉल कैप, और हमें लगता है कि कुछ और समय के लिए शॉर्ट टर्म में वही माहौल चलता रहेगा और लार्ज कैप्स इस रैली को लीड कर सकते हैं। बजट से कोई एक्सपेक्टेशन सर? देखिए अभी तो मार्केट में ठीक ठाक ही माहौल है, फॉरेन फ्लोस वापस आ चुके हैं, शायद इतने नहीं है जितने आपको हेडलाइन नंबर्स दिख रहे हैं, क्योंकि दूसरी साइड से भी प्राइवेट इक्विटी के जो ब्लॉक्स सेलिंग ब्लॉक्स आए थे उसमें इन्वेस्ट किए हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स ने, तो जो नंबर्स आते हैं वो सिर्फ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के आते हैं और एफडीआई जो है प्राइवेट इक्विटी का वो गिना नहीं जाता, इसलिए आपको लगता है कि एक बहुत अच्छा फॉरेन इन्वेस्टमेंट का माहौल है, लेकिन जितना दिख रहा है उतना नहीं है क्योंकि दूसरे सेलिंग साइड में भी वही लोग हैं। और जबकि डोमेस्टिक फ्लोज को देखते हैं तो एसआईपी में जो करीब करीब 13,000 करोड़ का जो मंथली इनपुट वैल्यू है वो कंटिन्यू हो रहा है, ये जरूर है कि हायर वैल्यूएशन लेवल पे या हायर मार्केट लेवल पे थोड़ा बहुत जो लमसम फ्लोज थे वो कम हुए हैं और थोड़ा बहुत रिडेम्पशंस भी हुए हैं फंड्स में, लेकिन ओवरऑल फ्लोज तो ठीक ठाक ही दिख रहे हैं और दिसंबर क्वार्टर का जो रिजल्ट है वो भी अच्छे ही आना चाहिए, जितने एक्सपेक्टेशन है उससे तो बेटर ही आना चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स का एक वापस नीचे आते हुए दिखते हैं ग्लोबल मार्केट में मीडियम टर्म, और जो कमोडिटी कॉस्ट प्रेशर जो था जून क्वार्टर और सितंबर क्वार्टर वो धीरे धीरे इंप्रूव भी होना चाहिए, तो ये सब फैक्टर्स को देखते हुए लगता है कि ओवरऑल मार्केट को रीजनेबली स्ट्रांग रहना चाहिए। तो मार्केट स्ट्रांग रहेगी, कोई परेशानी की बात नहीं है, एक्शन भी भरा हुआ है, अच्छा थोड़ा रोटेशन आपको जरूर दिख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हर्ष साहब आज हमारे साथ जी बिजनेस से जुड़ने के लिए, अपना टाइम देने के लिए और मार्केट पर आउटलुक शेयर करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। बढ़ते हैं आगे, बाजार कोई बड़ा करेक्शन के मूड में नहीं दिख रहा है, ऊपर से थोड़ा हल्का होने के बाद एकदम स्टेबल इन लेवल्स पर दिख रहा है। पोजिशन पिक लेनी है सिद्धार्थ जी की तरफ से, उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बस 2 मिनट में लौटेंगे। स्वागत है ब्रेक के बाद, आप देख रहे हैं 10 की कमाई, एक्शन में है बाजार, नए हाई बनाने के बाद थोड़ा कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है इंडेक्स, बट गेन्स आसानी से होल्ड कर रहे हैं। स्टॉक स्पेसिफिक चर्न बढ़िया है, आईटी की लीडरशिप आपको शानदार दिख रही है, ऑटोज में आज थोड़ा करेक्शन आते हुए दिख रहा है। आइए वक्त है सिद्धार्थ जी की पोजिशनल पिक लेने का, सिद्धार्थ जी बताएं आपके पोजिशनल स्टॉक सर। देखिए दीप, सॉकर वर्ल्ड कप का क्रेज है, फुटबॉल का क्रेज चल रहा है, और फुटबॉल में जो गोल पोस्ट होता है उसकी जो नेट्स होती है वो बनाता कौन है इंडिया से, वो है गरवारे टेक्निकल फाइबर। तो ये है पोजिशनल पिक, गरवारे टेक्निकल फाइबर डोमिनेंट प्लेयर है मरीन फिशरीज, स्पोर्ट्स नेट्स, सॉकर की नेट्स, क्रिकेट की नेट्स, ये बनाने में दे आर वन ऑफ द डोमिनेंट प्लेयर्स। सबसे बड़ी चीज उनका मुनाफा 16% से ग्रो हो रहा है, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ है, स्पोर्ट्स सेगमेंट से आ रही है, साथ ही साथ 60% रेवेन्यू जो है फूड रिलेटेड प्रोडक्ट से भी आती है। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से गरवारे टेक्निकल फाइबर मुझे लगता है कि यूनिक सेट ऑफ बिजनेस के साथ बहुत दमदार ग्रोथ के साथ खरीदना चाहिए। 3775 3375 का टारगेट है और इसी के करीब का इनका बाईबैक भी है, ओपन ऑफर बाईबैक।
ओके, तो गरवारे टेक्निकल फाइबर यहां पर करके चले खरीदारी 3,775 रुपए के टारगेट के लिए। आज न्यूज पर व्यूज में भी एक खास मैनेजमेंट हमारे साथ तैयार है, आइए करते हैं उनका स्वागत। न्यूज पर व्यूज का वक्त है, इंडिगो पेंट्स के मैनेजमेंट से करेंगे हम बातचीत। इंडिगो पेंट्स पेंट सेक्टर की रिलेटिवली यंग कंपनी, कुछ समय पहले इसकी लिस्टिंग भी हुई थी, 28 मार्च 2000 के साल में इन्होंने कामकाज शुरू किया था। डेकोरेटिव पेंट सेगमेंट की पांचवी देश की सबसे बड़ी कंपनी है, 2% का मार्केट शेयर है उस सेगमेंट में, लगभग पूरे देश में इनके प्रेजेंस है। मेटालिक पेंट, फ्लोर कोट पेंट जैसे अलग अलग प्रोडक्ट्स भी ये बनाते हैं। आज हमारे साथ कंपनी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हेमंत जलान साहब जुड़ रहे हैं। पेंट इंडस्ट्री में 2 दशक से ज्यादा का सर का एक्सपीरियंस है, शिकागो यूनिवर्सिटी से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स की डिग्री है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से साइंस में मास्टर्स की डिग्री है और IIT कानपुर से बीटेक की डिग्री ली है। तो आपको दिखाता है क्या पेडिग्री रही है सर की एडुकेशन की, और वो एक्सपीरियंस अब पूरा सर अपने कामकाज में भी लेकर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जलान साहब आज शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। दो तीन चीजों पर आपसे बात करनी थी सर। एक तो जो आपकी परफॉर्मेंस रही है, नतीजे तो ऑफकोर्स पिछले महीने आए थे, बहुत दमदार परफॉर्मेंस रही थी, ऑपरेशनली भी आपकी अच्छी परफॉर्मेंस रही थी, वो भी इस समय जब हम देख रहे थे कि रॉ मटेरियल कॉस्ट के लिए बाकी कंपनीज की प्रेशर बन रहा था, आपके मार्जिन्स एक्सपैंड हुए, एबिटा 44% बढ़ा था सर, मुनाफा काफी अच्छा बढ़ा, क्या वजह रही सर इस अच्छी परफॉर्मेंस की? देखिए, एक तो है कि हमारे सेल्स में भी अच्छी वृद्धि हुई है, करीब लगभग 24% की वृद्धि हुई है टॉप लाइन में। जहां तक कच्चे माल का सवाल है, पिछले त्रिमाही में हम लोग ने देखा कि धीरे धीरे कच्चे माल में कुछ गिरावट महसूस हो रही थी, तो जो पिछले साल रॉ मटेरियल के दाम जो एकदम ऊंचाई तक पहुंच गए थे वो अब धीरे धीरे नीचे आते जा रहे हैं, और जैसे जैसे वो नीचे आते हैं नेचुरली हम लोग की प्रॉफिट मार्जिन जो है उसमें इजाफा आपको दिखता है और आगे भी दिखता रहेगा, क्योंकि कच्चे माल की कीमत लगातार मध्यम गति से नीचे आती हुई जा रही है। का क्या आउटलुक है सर, आगे भी प्राइसेस मतलब मार्जिन के हिसाब से रिलीफ रहेगा, क्योंकि जो आई डोंट थिंक कच्चे तेल का आपको ज्यादा इंपैक्ट आता है राइट सर, बट जो टाइटेनियम डाइऑक्साइड है और बाकी रॉ मटेरियल्स है वहां पर? हाँ, कच्चे तेल का पेंट रॉ मटेरियल्स में उतना ज्यादा प्रभाव नहीं है जितना कि लोग मानते हैं, इसलिए कच्चे तेल से तो बहुत ज्यादा लिंकेज नहीं है, बट बाकी जितने रॉ मटेरियल्स हैं, टाइटेनियम डाइऑक्साइड है, प्लास्टिक पैकेजिंग मटेरियल्स के जो दाम हैं, इमल्शंस के जो दाम हैं, इमल्शन के मोनोमर्स हैं, इनमें लगातार गिरावट होती जा रही है, इसलिए मार्जिन्स में मेरे समझ में हम लोगों को इस तीसरे त्रिमाही में और चौथे त्रिमाही में काफी लाभ मिलने की संभावना है। चलिए वो बढ़िया बात है, और इस पर प्राइसिंग एनवायरनमेंट इस समय कैसा है सर, प्राइस हाइक्स की तो अब फिर जरूरत नहीं पड़नी चाहिए या फिर क्या प्लान्स है वहां पर? नहीं, मेरे समझ में अब और कोई प्राइस हाइक्स की दरकार नहीं है, गिरावट की भी कोई अनुमान नहीं है, मेरे समझ में प्राइसेस अब स्टेबल रहेंगे हमारे फिनिश प्रोडक्ट्स के, अगले 4-6 महीने में तो कोई विशेष बदलाव की गुंजाइश नहीं नजर आ रही। ठीक है, डिमांड साइड पर इस समय क्या सेंस मिल रहा है सर, फेस्टिव सीजन भी गया है, वहां पर कैसा एक्शन रहा? देखिए, पेंट्स का जो सेल है ये मौसम से ज्यादा डिटरमिन होता है, अगर मौसम पेंटिंग के लिए अनुकूल ना हो तो उसका प्रभाव फेस्टिविटी या अलग चीजों से कहीं ज्यादा प्रभाव मौसम पर पड़ता है, खास करके अगर बारिश होती रहे। अब आपको जैसे मालूम है अब की बार दिवाली जल्दी आई, 24 अक्टूबर की दिवाली थी, और लगभग पूरे देश में बरसात जो है 17-18 अक्टूबर तक काफी जोर से कायम था, तो बरसात के खत्म होने में और दिवाली आने के बीच का जो अंतराल था वो बहुत ही छोटा था, तो हमने देखा है कि जब कभी दिवाली जल्दी आती तो फेस्टिव सीजन का सेल मंदा पड़ जाता है, बट वो मेकअप हो जाता है नवंबर दिसंबर जनवरी, और जब कभी दिवाली देर से आती है 10-12 नवंबर को आती है तो फेस्टिव सीजन का सेल बहुत अच्छा रहता है, बट उसके बाद मार्केट में एक नवंबर दिसंबर जनवरी में कुछ मंदी नजर आती है, तो इसलिए अगर आप पूरे साल को देखें तो उसमें कोई खास अंतराल फर्क नहीं पड़ता है, तो अब की बार अक्टूबर का महीना तो मैं समझता हूं पूरे पेंट इंडस्ट्री के लिए थोड़ा सा खराब गया होगा,
क्योंकि जैसा मैंने कहा कि वर्षा के खत्म होने पर और दिवाली आने के बीच में अंतराल बहुत छोटा था, बट नवंबर में काफी कुछ हम लोग ने उस चीज को मेकअप किया है और डिमांड बहुत अच्छी रही है नवंबर में, और जैसा अनुमान दिख रहा है लग रहा है कि दिसंबर जनवरी में भी डिमांड अच्छी रहेगी, और जो फेस्टिव सीजन में जो उम्मीद थी जो नहीं आया उसे हम लोग नवंबर दिसंबर में मेकअप कर लेंगे। तो चलिए डिमांड तो अच्छी रहेगी, अगर अक्टूबर या दिवाली की डिमांड नहीं आई जो यूजली लोग घरों का अपकीप पेंट करवाते हैं वो अब इन महीनों में आ सकती है, अब इन महीनों में हो जाएगा। ये पेंट अप डिमांड जो रहता है नवंबर दिसंबर में दिखता है और नवंबर में साफ तौर पर दिखा भी। बढ़िया सर, ये तो अच्छी बात है, तो फिर ये तिमाही के नतीजे भी फिर अच्छे ही रहने चाहिए कंपनी के। सर आगे के एक्सपेंशन की बात बताएं, वो तमिलनाडु का प्लांट तैयार हो गया सर, कब कमीशन होगा ये? अब तैयार हो गया है, बट हम लोग का अनुमान था पहले कि हम दिसंबर तक शायद उसे कमीशन कर देंगे, लग रहा है कि वो एक डेढ़ महीना थोड़ा विलंब होगा, शायद जनवरी फरवरी में ही उसकी कमीशनिंग हो, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि हम लोग के पास पर्याप्त कैपेसिटी है, इसलिए अभी कैपेसिटी को मीट करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए वो प्लांट लगभग कंप्लीट हो गया है, एक एक मशीनरी की कमीशनिंग अभी जारी है, और मैं समझता हूं कि हम लोग के ट्रायल प्रोडक्शन जो है वो जनवरी फरवरी में शुरू हो जाएंगे। ओके, कुछ और एक्सपेंशन प्लान सर, डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर या फिर जिन शहरों में प्रेजेंस है उसको बढ़ाने के लेकर, प्रोडक्ट्स को लेकर? प्रोडक्ट्स में तो कोई बहुत ज्यादा कुछ नया नहीं आ रहा है, और जहां तक नए ज्योग्राफीज का डिस्ट्रीब्यूशन का जो सवाल है, तो मैं समझता हूं कि अब हिंदुस्तान का कोई कोना नहीं बचा है जहां इंडिगो पेंट्स की मौजूदगी ना हो। हाँ, हम लोग पिछले छह महीने से बहुत जोर से प्रयास कर रहे हैं कि हमारी प्रेजेंस जो बड़े शहरों में है उसमें कुछ बढ़ोतरी हो, और उस चीज में हम लोग को काफी सफलता पिछले छह सात महीनों में दिखने मिली है। तो अब बड़े शहरों में हमारी प्रेजेंस लगातार बढ़ती चली जा रही है, और ये अगले एक दो साल तक ये कार्यक्रम बड़े शहरों में अपना पैर फैलाना ये काम जारी रहेगा। ये तो बढ़िया सर, तो अच्छी परफॉर्मेंस है कंपनी की तरफ से, डिमांड अच्छी है, और इस तिमाही में स्पेशली थोड़ी पेंट अप डिमांड का फायदा भी मिलेगा, कॉस्ट भी अच्छे कंट्रोल में। बहुत बहुत शुक्रिया जलान साहब आज जी बिजनेस को अपना वक्त देने के लिए और हमारे साथ बातचीत करने के लिए सर। धन्यवाद दीपक, थैंक यू सर। तो ये थे आपके लिए इंडिगो पेंट्स की मैनेजमेंट आगे के आउटलुक के बारे में बात करते हुए। आइए लौटते हैं एसपीएल मिड कैप्स में और लेते हैं आज की शॉर्ट टर्म पिक सिमी जी और सिद्धार्थ जी की तरफ से। सिद्धार्थ जी बताएं आज की शॉर्ट टर्म पिक कौन सी आपकी? कंजम्पशन स्पेस से है दीप आज की शॉर्ट टर्म पिक, और कंजम्पशन दिसंबर के महीने में रहता है ट्रैवल और टूरिज्म में, और ये कंपनी है होटेल्स की कंपनी लेमन ट्री। लेमन ट्री जो टॉप थ्री में आती है इन टर्म्स ऑफ चेन ऑफ होटेल्स, और मिड साइज होटेल में टॉप नंबर पे आती है लेमन ट्री। बहुत ही बेहतरीन बिजनेस है, रेवेन्यू ग्रोथ इनका 100% का देखा गया दूसरे तिमाही में, मार्जिन्स बढ़ के आए हैं 48% पे, एवरेज रूम रेट जो 100 रुपए 150 रुपए से बढ़ा 4900 के करीब, और गाइडेंस जो कंपनी दे रही है जो आज 8000 रूम के करीब है कंपनी के पास, वो 10,900-11,000 रूम हो जाएंगे FY25 तक। टूरिज्म का जो पिकअप हम देख रहे हैं इसका सबसे ज्यादा फायदा बजट होटेल्स जैसे कि मिड साइज होटेल्स में दिखेगा, और वो है लेमन ट्री। टारगेट आपको रखना है 110 रुपए का, 110। ओके, 110 के टारगेट लिए 10% अपसाइड लेमन ट्री पर करें खरीदारी। सिमी जी आपकी शॉर्ट टर्म पिक? दीपांशु शॉर्ट टर्म पिक तो देंगे, जरूर देंगे, पर उससे पहले थोड़ा सा अपडेट करूंगी क्योंकि आज स्टॉक्स जो भी मैंने एसपीएन में दिया है सारे चल चुका है। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन 3,080-3,065 के आसपास दे रही थी, अभी 3,125 का बना है लेवल और 3,138 का हाई भी बना है, तो इसके लिए सब क्रेडिट 50% मैं सीड को भी देती हूँ क्योंकि मेरे कहने के बाद ही सीड ने भी कहा था कि बहुत अच्छा स्टॉक है, उसने भी दिया था। मेरा दूसरा स्टॉक था टिटागर वैगन, इसमें इतना मोमेंटम आएगा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी क्योंकि ये एक्चुअली ये बी स्टॉक है, ट्रेड टू ट्रेड में है, अगर लेना है तो इसको डिलीवरी भी उठाना है, मतलब यहाँ पे डिलीवरी बेस्ड बाइंग हो रही है। स्टॉक 200 से 210 का, 220 का, 240-250 का जो भी टारगेट्स मैंने दिया है सारे अचीवेबल होगा, तो दोनों ही होल्ड करके रखने का सलाह होगा। मेरा जो तीसरा स्टॉक है ये कॉमन है, ये मैंने पिछले भी कई बार दिया है और आज भी मैं रिपीट करूंगी, एक बार मैं एसपीएल मिड कैप में भी दिया था। स्टॉक का नाम है आईआरबी इंफ्रा।
अब हमारा अनिल जी का बहुत फेवरेट स्टॉक है, दिवाली पीक था, अनिल जी ने 230-35 के आसपास दिवाली में दिया था, मैंने 245 के ऊपर जब ब्रेकआउट आया टेक्निकली तब मैंने मेरा रडार पर आया और तब मैंने इसको शामिल किया, मेरे क्लाइंटों को भी मैंने उस समय दिया था और टीवी पर भी बहुत बार दिया है। जब जब इसमें ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आता है तब तब मैंने दिया है, कल भी मैंने दिया था बीटीएसटी कॉल जब मैं ओपनिंग शो कर रही थी और आज भी मेरा रडार पर ये स्टॉक है क्योंकि मुझे लगता है कि ये स्टॉक जितना मोमेंटम इसने पकड़ा है ये स्टॉक आगे जाके अच्छा परफॉर्मेंस शो करेगा ऐसा मैं मानती हूँ। एक छोटा सा टारगेट मैं 310 से, जो कि मुझे लगता है कि 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में आ जाना चाहिए, 310 से 320 का टारगेट, यह है छोटा सा टारगेट, और बड़ा सा टारगेट 340-350 का टारगेट है, ये नेक्स्ट 15-20 दिन में आ जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आईआरबी इंफ्रा को करंट लेवल पर खरीद कर चलिए, 265 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 310 से 320 का छोटा सा टारगेट, 340 से 350 का बड़ा टारगेट के लिए आईआरबी इंफ्रा को खरीद कर चलिए। ओके, तो आईआरबी इंफ्रा पर रखिए नजर, ये काउंटर भी आपको जबरदस्त तेजी में दिख सकता है, हमारी दिवाली पिक भी रही है और हाई कन्विक्शन काउंटर है जिस तरह से इस सेक्टर के लिए इस कंपनी के लिए चीजें बदल रही हैं। शो का समापन करें उससे पहले 10 की कमाई रह गई है, राकेश जी कुणाल जी की तरफ से बताएं आपकी 10 की कमाई का स्टॉक आज। देखिए दीपांशु, आज चर्चा चल रही है आईटी कंपनीज की और आईटी में हो रहे रिवाइवल की, तो हमारी खरीदारी की राय एक बहुत टॉप क्लास आईटी कंपनी पर है जिसमें एक बड़ा जबरदस्त करेक्शन आया और स्टॉक का करेक्टिव साइकिल बाकी आईटी कंपनीज के मुकाबले पहले ही शुरू हो गया था। स्टॉक का नाम है मैस्टेक, मैस्टेक पर हमारी खरीदारी की राय है, तो हमें लगता है कि एक बड़ा सिग्निफिकेंट करेक्शन स्टॉक में ऑलरेडी आ चुका है, बेस बिल्डिंग हो रही है, तो इन स्तरों पर मध्यम से लंबी अवधि के लिए और काफी पेशेंस के साथ इसको खरीदें। ये स्टॉक हो सकता है कि आपका पेशेंस का इम्तिहान ले, लेकिन अगर आप इसको समय देंगे तो ये जबरदस्त रिटर्न्स देने की ताकत रखता है। ओवर टू राकेश जी। दीपांशु, जैसा भी कुणाल जी ने मेंशन करा कि काफी जबरदस्त करेक्शन आया, अगर आप देखें तो 3360 के हाई से लगभग स्टॉक यहाँ पे नीचे में 1520 तक आ गया था, तो काफी डीप करेक्शन आया, इतना डीप करेक्शन आया जो इसे होल्ड कर रहे थे उनको दिन में तारे दिखे, अब करेक्शन खत्म होने के संकेत है, बेस बिल्डिंग क्लियरली विजिबल है, तो एक तो फ्रेश खरीदारी की राय है जो ऊपर लेके बैठा हुआ है उसके लिए एवरेजिंग की राय है, और एक बार 2100 के लेवल्स आएंगे दीपांशु तब इसको रिव्यू करेंगे, तो एज ऑफ नाउ टारगेट नहीं दे रहे हैं, एज ऑफ नाउ खरीदें इसको और 2100 के लेवल जब आएंगे तब इसको रिव्यू करेंगे। चलिए, तो 2100 तक तो रखिए नजर, बट 2100 पर बेचना नहीं है, तब रिव्यू करेंगे और अपडेट तो ऑफ कोर्स राकेश जी कुणाल जी आपको इस काउंटर पर देंगी। मैस्टेक यहां पर भी रखनी है आपको नजर, 18850 के करीब निफ्टी होल्ड करता हुआ कोई परेशानी नहीं, 43400 के करीब बैंक निफ्टी होल्ड करते हुए कोई परेशानी नहीं, आईटी का दमदार प्रदर्शन है, चुनिंदा मेटल स्टॉक्स आपको मूवमेंट दिखा रहे हैं, ऑटोज में मिला जुला कारोबार हो रहा है, ज्यादातर आज वैसे वीकनेस बनी हुई है और बैंक्स भी दोनों तरफ का एक्शन इस समय दिखा रहे हैं, मिड कैप बैंक्स में आपको आज थोड़ा एक्शन ज्यादा दिखेगा, बट नए रिकॉर्ड बन चुके हैं, दमदार शुरुआत दिसंबर महीने की आज बाजार ने करी है, क्या यही दमदार एंडिंग भी रहेगी ये देखना रहेगा जरूर, और वीकली एक्सपायरी भी है तो क्लोजिंग शो में आप सबसे फिर से होगी मुलाकात, बट बहुत बहुत शुक्रिया आज सुबह हमें वक्त देने के लिए सुमित जी, बंसल जी, कुणाल जी, किरण जी, पालविया साहब एंड ऑफकोर्स सिद्धार्थ जी और सिमी जी, आपका भी बेहद शुक्रिया। शो का समापन हर रोज की तरह देश के प्रति सम्मान के साथ करेंगे, आप सभी से निवेदन है कि अपनी अपनी जगहों पर खड़े हो जाएं। जय हिंद।